गुड इवनिंग एवरीबडी, आई एम रुबीना शाहीन और हम आज देख रहे हैं वेमेन एम्पावर के ऊपर बात करेंगे हम. दिस इज बात से बात, इट्स अ टॉक. मैं चाहती हूँ कि इस सेशन को मैं इंटरेक्टिव बनाऊँ. जो पिछला सेशन था उसमें भी कोशिश थी कि आप लोग बोलें, लेकिन बाद में जब मैंने उसकी रिकॉर्डिंग देखी तो मुझे पता चला मैं ही ज़्यादा बोली. इस दफ़ा मैं जहन में लेके आई हूँ कि मुझे कम बोलना है और जो आप लोग आए, इतनी दूर दूर से भी लोग आए, करीब से भी आए, तो आए हैं जो लोग या इवन जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, वो भी बोलें, वो भी बात करें. देखिए, जब भी किसी सोशल इश्यूज पे हम जब भी कभी बात करते हैं तो दैट इज़ ऑल अबाउट आवर ऑब्जर्वेशंस. हम सोसाइटी में देखते हैं, उस पर सोचते हैं और फिर सोच के हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं कि ठीक है, ये इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, इसमें क्या खराबी है. सोशल इश्यूज़ पे यही बात होती है. अब मेरी एक की एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं बात करूंगी. अगर मैं सिर्फ यहाँ पे वन मैन शो करके बात करके चली जाऊँ, जो पिछली दफ़ा किसी हद तक मैंने किया, तो मुझे लगता है कि देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑब्जर्वेशंस विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दैट कुड हैव बीन द टॉक, द पार्ट ऑफ द टॉक, लेकिन हमने वो नहीं किया. ओके, सो इस दफ़ा तो तैयार हो जाएं, अगर आप आए गए तो बोलने के लिए पहले तैयार हो जाएं. आप माइक एक दो जो हैं वो पकड़ा दें, यानी इस तरह से पकड़ा दें, किनको पकड़ा दें, एक इधर पकड़ा दें, तो जिसको बात करनी हो आप अपने करीबी माइक को पकड़ के आप बात कर सकते हैं. अच्छा, हमारा जो मौजू है वो वेमेन एम्पावरमेंट है. वेमेन एम्पावरमेंट पे बात करने की क्यों ज़रूरत पड़ी है, ये तो सबसे पहले ये सोचने की बात है. एम्पावरमेंट इज़ फॉर एवरीबडी, यानी सोसाइटी में अगर मेल एम्पावर्ड हैं तो वेमेन एम्पावर्ड होंगी, ये बात क्यों करने की ज़रूरत हमें पड़ी है, पहला तो ये बात है. इसमें हम मैं एक फोकस करना चाहती हूँ, हमें क्यों ज़रूरत है वेमेन एम्पावरमेंट पे बात करने की. हम उस सिनेरियो को देखें जिसमें हमें आज ये बात करने की ज़रूरत है. हम ये क्यों बात नहीं करते कि हम मेन एम्पावरमेंट पे बात क्यों नहीं करते, हमें मेन एम्पावरमेंट पे क्यों बात करने की ज़रूरत पड़ती है. कुछ हो रहा है ना सोसाइटी में, ऐसा कुछ है जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, तो वी वुड टॉक अबाउट दैट. एंड देन हम अगर एम्पावरमेंट पे बात, आप सब लोग, हम सब लोग वो हैं जो इस पे बात करना चाहते हैं, तो हम अपने घरों से उठ के यहाँ आए हैं. इस एम्पावरमेंट को हम कहाँ तक एक खातून को हम एम्पावर करना चाहते हैं, कहाँ तक हम बर्दाश्त कर लेंगे उस एम्पावरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात. कहाँ तक हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, कहाँ तक हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे. सब एक जगह तक सबकी लिमिट नहीं होगी, डिफरेंट लिमिट्स होंगी. कोई कहते हैं अच्छा ठीक है, किसी ने सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ, कोई जॉब करने जा रही है, कोई अपनी मर्जी से बच्चे पैदा करने का हक चाह रही है, तो यहाँ तक ठीक है. इससे आगे तो अब वो जो हमने जो भी लिमिट सेट की है, चाहे वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, उसके बाद हमारा थॉट पैटर्न क्या होता है. जब कोई फीमेल उससे आगे चली जाती है, क्या हम वैसे ही बिहेव करते हैं जो बिल्कुल वेमेन एम्पावरमेंट पे बिलीव ही नहीं करता, उस पर बात ही नहीं करना चाहता, उसको वो कोई इशू ही नहीं समझता, हम उसकी तरह बिहेव करते हैं या नहीं करते. यानी हमारे हिसाब से तो वो फिर आउट हो गया ना सर्कल, हमारा इतना सर्कल है कि इतनी एम्पावरमेंट होनी चाहिए. तो कहाँ तक हम एम्पावरमेंट चाहते हैं, कहाँ तक हम सह लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, कहाँ हमारी बस हो जाएगी, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे. जब कोई भी खातून अगर मैं देखती हूँ, और मेरे हिसाब से एम्पावरमेंट तो यहाँ तक होनी चाहिए ना, एक हमारी सोसाइटी में वर्ड है, जब मैं किसी भी बारे में बात करती हूँ तो कहते हैं मदर पिदर आज़ाद. ये एक टेक्निकल टर्म बन गई अब, मदर पिदर आज़ाद. मदर पिदर आज़ाद का मतलब है कि हमारी लिमिट से बाहर चला गया बंदा, और इसको बड़ा नेगेटिवली लिया जाता है. अब मैं ये चाहती हूँ कि हम इस पर बात करें कि अगर हम एम्पावरमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम समझते हैं कि एक इशू है, हम समझते हैं कि वेमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, हम लेडीज़ को एम्पावर करते हैं, कहाँ तक करते हैं, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे. अगर कोई हमारे सर्कल से बाहर जाएगा फिर क्या करेंगे, एंड देन हम एम्पावरमेंट कैसे करेंगे. हम एम्पावर करेंगे यानी सोसाइटी एम्पावर करेगी, एक लेडी, कोई एक लेडी जहन में रख लें, उसको सोसाइटी एम्पावर करेगी. या एम्पावरमेंट का मतलब क्या होगा, और पहले तो ये हमें थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि एम्पावरमेंट होगी क्या, किस चीज़ को हम एम्पावरमेंट कहेंगे, किस बात को, और फिर वो कैसे होगी. हम करेंगे, वो खातून खुद करेगी, उसके घर वाले करेंगे, पूरा माशरा करेगा, एम्पावरमेंट क्या होगी और वो कैसे होगी, हम उसको कैसे करें. या अगर कोई ऐसी
पर्टिकुलर खातून के बारे में बात करें कि वो एम्पावर हो गई हैं, तो हम यहाँ पे बैठ के हमारा क्या रोल होगा उसके एम्पावरमेंट में, हमारा कोई रोल होगा या नहीं होगा, ये सब चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ कि हम इसके ऊपर आज बात करें। अच्छा, सबसे पहले एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेमेन एम्पावरमेंट नाउ। एम्पावरमेंट, एक बच्चा पैदा होता है, मैं हमेशा समझती हूँ, मैं जब भी कोई चीज़ सोचती हूँ खुद किसी भी इशू के बारे में, तो मैं ये देखती हूँ कि बिल्कुल एक छोटा बच्चा, एक कुछ छोटे बच्चे हैं उनके साथ ये इशू कैसे काम करेगा, या वो इसके बारे में क्या सोचेंगे, या उन पर कैसे अप्लाई होगा। तो फिर मैं समझती हूँ, क्योंकि उस वक़्त हम प्योर इंसान होते हैं, उसके बाद हमारे ऊपर कंडीशनिंग होती है, उसके बाद हमारी आप समझ लें कि हमारी फॉर्मेशन होती है, हमारी फिक्री फॉर्मेशन होती है, थॉट प्रोसेस डेवलप किए जाते हैं, हमारे बिहेवियर्स एवरीथिंग उसके बाद जो है वो बनती है। उस बनने से पहले एक प्योर इंसान होता है, यानी उस पर किसी का कोई अमल दखल नहीं होता, उस पर कोई फार्मूला भी अप्लाई नहीं हुआ होता। तो हमें समझने में, जब एक बच्चा पैदा होता है वो कितना एम्पावर्ड होता है, वो तो हाथ भी नहीं ला सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन इससे भी पहले हम एम्पावरमेंट को डिसाइड करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। एम्पावरमेंट से आप क्या मतलब लेते हैं, किसी एक शख्स को एम्पावर करना, उसका क्या मतलब हो सकता है, ये अब आप बताएंगे। किसी भी एक बच्चे को एम्पावर करना, यानी पहले तो वो दूध भी नहीं पी सकता, वो हाथ नहीं ला सकता, वी एम्पावर द चाइल्ड टू लिव हिज लाइफ, वो अपनी जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाए, हम उसे उस काबिल बनाना चाहते हैं, काबिल बनाना किस चीज़ को, उसको पावर देना, उसको इस काबिल बनाना कि वो कर सके। आप एम्पावरमेंट को क्या समझते हैं, किसी से किसी बात की किसी काम करने के कैपेबल बनाना। माइक किन के पास है जी, माइक आपके पास, जिम्मेदारी भी आपके पास है। अच्छा, हर बंदा कुछ ना कुछ सोचता है ना, आप जो भी सोच रहे हैं वो कह दें, एम्पावरमेंट से क्या ज़हन में आता है? बेसिक जो एम्पावरमेंट का है, अगर आप इन जनरल ह्यूमन के लेंगे, तो ज़िंदगी के कोई भी हालात या ऐसा दौर के उसे तन तनहा ज़िंदगी गुजारने के जो बेसिक्स हैं वो पता हों। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ कि हमारे यहाँ नॉर्मली जो चीज़ एक मौजूद नहीं होती, उसमें एक ये होता है कि ख़वातीन को ही ले लें, ऐसी ख़वातीन के जो जिनके हस्बैंड या जो औरतें तनहा हैं, तो उनकी ग्रूमिंग या उन्हें ज़िंदगी गुजारने का हमारे यहाँ ऐसा कोई तरीका ही नहीं सिखाया जाता कि अगर आपके पास कोई मर्द मौजूद नहीं है तो आपने ज़िंदगी को किस तरह आगे लेके चलना है। यही रीज़न होती है कि मोस्टली हमारी ख़वातीन सफ़र कर रही होती हैं माशरे के अंदर, के अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए, बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए उनके पास ऐसा कोई हुनर या वो सलाहियत ही नहीं होती। एक कबूतर की तरह जब कोई उन पर तकलीफ़ या मुश्किल आती है तो वो आँखें बंद कर लेती हैं। तो मेरे नज़दीक नॉर्मली ये है कि सबसे पहले उन्हें आगाह किया जाए कि इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए बुनियादी किन चीज़ों की ज़रूरत है। आप चाहते हैं लेडीज़ की आंखें खुली रहें? हाँ जी, आंखें नहीं बंद कर लिया, आंखें खुली रखें। ओके, दैट्स गुड, ठीक है। और कोई बताना चाहे एम्पावरमेंट क्या? जी सर, माइक इधर। शुक्रिया। चूँकि वेमन के बारे से बात हो रही है, तो उसी के बारे से जो मेरे जहन में एक है तसव्वुर एम्पावरमेंट का वेमन के नुक्ते नज़र से, वो ये कि ख़वातीन का जो किरदार है। अच्छा, पहले बात हो ये कि ये जो एम्पावरमेंट का जो मसला जो है, ये हमारे माशरे में इसकी सिग्निफिकेंस कुछ और है, और जब हम वेस्टर्न कंटेक्स्ट में जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ हो जाएगी। तो ज़ाहिर बात है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसी सोसाइटी के बारे से हम बात करेंगे। हमारी सोसाइटी जो है आमतौर पर ये इसलिए हदफ तनकीद बनाई जाती है कि यहाँ औरत का अपना ज़ाती किरदार कोई भी नहीं है, उसको जितने भी किरदार हैं वो मर्द के मुहैया कर रहे हैं उसके। अगर मेरी बेटी है तो वो बेटी के पास जितने भी किरदार हैं समाज के वाले से, वो या तो उसके वालिद ने उसको दिए हुए हैं या उसके भाई ने उसको दिए हुए हैं, क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो वो सारे किरदार जो है वो मर्द जो है तो वो मुहैया करता है औरत को। औरत सारी ज़िंदगी जो है तो मर्द के दिए हुए किरदारों को निभाती रहती है, बीवी की शक्ल में, बहन की शक्ल में, और जो बाकी जो रिश्ते नाते बनते हैं। क्या मर्द के साथ भी ऐसे ही नहीं है? यानी मर्द भी बाप है, बेटा है, भाई है, उससे भी सोसाइटी की कुछ एक्सपेक्टेशंस है कि तुम बाप हो तो तुम्हें पैसे कमाना है, तुम्हें सारे खर्चे पूरे करने हैं, तुम भाई हो तो तुम्हें ये काम करने हैं, तुम बेटे हो तो तुम्हें ये काम करने हैं।
तो जेंडर बेस्ड हम कहते हैं ओवरऑल वो एम्पावरमेंट हमने उनकी करनी है, उन किरदारों को निभा सके। आप ये कहना चाहते हैं कि ख्वातीन की स्पेसिफिकली वहाँ पे आइडेंटिटी कम होती है, उनकी अपनी जात बहुत कम रह जाती है, वो किरदार बनाया ऐसा जाता है, और जो मेल्स हैं उनके भी कर देखें। मैं इसलिए इस चीज को ऐड कर रही हूँ, सॉरी आपकी बात कट की, ये लोगों के जहन में बात आती है, मुझसे भी लोग पूछते हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि औरत जो है वो माँ है, बहन है, बेटी है, तो बाप भी तो बाप है, बेटा है, भाई है, लेकिन उनके जो किरदार बनाए गए हैं, जो डेफिनेशन उन किरदारों की है, जो रिक्वायरमेंट्स लिखी गई हैं, वो इन रिक्वायरमेंट्स से मुख्तलिफ हैं। और उन मुख्तलिफ होने में एक चीज जो इम्पोर्टेंट हुई है वो ये है कि यहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन इज कॉम्प्रोमाइज्ड, यहाँ पे नहीं कॉम्प्रोमाइज्ड। अगर जो हेड ऑफ द स्टेट है या जो भाई है वो है, वो खुद भी है अपनी जिंदगी में, यहाँ पे वो नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा फर्क है। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं इसको सर कंक्लूड करना चाह रहा था कि मर्द ठीक है, उसकी एम्पावरमेंट की अपना उसके मसाइल भी हैं, लेकिन मर्द जो है ना वो जवाबदेह नहीं है कहीं भी अगर देखा जाए, लेकिन औरत का जो भी किरदार जो है वो अपने हर किरदार के लिए जवाबदेह है सोसाइटी के सामने भी किसी न किसी शक्ल में। तो मर्द को ये एक एडवांटेज हासिल है जो कि औरत को हासिल नहीं है। औरत को हासिल नहीं है, ठीक हो गया जी। नौशाबा जी, एक तो ये बात कि एम्पावरमेंट का सवाल उसके लिए पैदा होता है जो बालिग आकल है, बहुत छोटे बच्चे से तो हम शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि थोड़ा सा अगर हम तरतीब से चलें तो बात करना भी आसान हो जाएगी और समझाना भी क्यों कहाँ तक और कैसे। मेरा ख्याल है क्यों वाला सवाल तो इतना वाज़ेह है उसका जवाब कि हर कदम पे मर्दों को भी दिखाई दे रहा है अगर वो देखने वाले हैं, तो औरतों को तो अगर वो देखने की सलाहियत नहीं भी रखती तो भुगत रही हैं। तो जहां तक ये मसला है कहां तक, तो ये जो अभी आप डिस्कस कर रही थी कि मर्दों को भी फेस करना पड़ते हैं बहुत से प्रॉब्लम, तो हमें ये बहुत वाजे हो रहा है थोड़ा सा मीडिया की आज़ादी से, इंटरनेट से, एकदम से कम अज़ कम मेरी उम्र की ख़वातीन को तो वाजे नज़र आ रहा है कि एम्पावरमेंट इतना शोर मचा कि हमारी जो यंग बच्चियां हैं वो उस मरहलों से गुजरे बगैर एम्पावरमेंट का उधम साइक मच गया, और वो जो नज़र मेरे जैसी ख़वातीन को भी जिन्होंने औरत होना बहुत भुगता है, क्योंकि जब हम वर्क प्लेसेस पे निकलते हैं तो हमें हर कदम पे पुलिस वाले ने किसी मर्द ड्राइवर को नहीं रोकना, उसने दूर से देखनी, अच्छा ये औरत की गाड़ी आ रही इसको रोकना है, रेड़ी वाले नहीं बने, वो जान के वहां से रास्ता तंग कर देता है कि आओ ना जरा ड्राइविंग का इम्तहान तो दो, तो हमें तो हर कदम पे भुगतना। लेकिन अब बच्चियों में मैंने देखा है कि जैसे जब हम रिलीजन पे बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इसलिए रिलीजन की पाबंदियों पे एतराज कर रहे होते हैं कि उनको आजादी दिख रही होती है, वो बगैर सोचे समझे एतराजात कर रहे होते हैं। यही हाल हमारी बच्चियों का हो गया। ये कहां तक वाला क्वेश्चन बहुत अहम है कि उन्होंने शोर सुना है और उन्होंने शोर मचा दिया है, और वो समझती हैं कि सिर्फ फरार है से जिम्मेदारी से, फरार का नाम वेमेन एम्पावरमेंट है। एम्पावरमेंट का मतलब ये कभी नहीं हो सकता कि मैं माँ नहीं रहूं, या मैं चाहूं कि रात को भी मेरा मियाँ जागे और वो मेरे किचन में भी साथ खड़ा हो, और बच्चों को भी वो पैंपर भी वो बदले, ठीक है, और वो दूध भी गर्म करके मुझे पकड़ाए। तो ये जो आप बात कर रही थी ना कि मर्द भी वो सफर करता, मुझे तो यूं लगता है कि शोर मचा दिया और हमने ट्रेन नहीं किया, ना हमने अपनी बच्चियों को ट्रेन किया, ना हमारे मर्द तो खैर कभी ट्रेन होता ही नहीं है। मेरी बेटी हमेशा मुझे गिला करती है कि आप हर वक्त मुझे माँ बनना सिखाती रहती हैं, कभी भाई को बाप बनना भी सिखाएं। तो वो मैंने उसका जवाब दिया कि मैं अभी तक तुम्हारे बाप को बाप बनना नहीं सिखा सकी, तो मैं भाई को कैसे भाई बाप बनना भी से सिखा सकती हूँ। तो ये जरूरी है, तरबियत बहुत जरूरी है, तरबियत के बगैर आप आजादी नहीं दे सकते। तो आप ये कहना चाहते हैं जो मुझे समझ आई है कि एक तो हमें कुछ लिमिटेशंस पुट करनी पड़ेंगी, दूसरे जो भी हम लिमिट सेट करेंगे उसके लिए हमें तरबियत करनी पड़ेगी, उसको एक ड्यू प्रोसेस से गुजार के एम्पावरमेंट तक ले जाना पड़ेगा। देखिए, जब मैं स्टार्ट में कह रही थी कि एम्पावरमेंट क्या है, वो यहाँ पे अब वो क्वेश्चन आ गया। आपको तरबियत चाहिए, आप एम्पावरमेंट का आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट है ना कि ये एम्पावरमेंट होनी चाहिए और उसके लिए मुझे ये बच्चे को सिखाना है या बच्ची को सिखाना है। उस एम्पावरमेंट को डिफाइन करते हैं ना, एम्पावरमेंट क्या है? आपने कहा आजादी नहीं है सिर्फ, यस यस यस। देखिए, एम्पावरमेंट ये है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए
आपको आपके डिसीजन की आजादी हो। एम्पावरमेंट ये नहीं है कि मुझे वो लिबास चाहिए जिसको मेरी सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट कर रही हो, और आजकल की बच्चियां जैसे आप कहती है ना कि कुछ भी पहन के चली जाऊं, मुझे ये एम्पावरमेंट नहीं चाहिए। मुझे ये एम्पावरमेंट चाहिए कि मैं जो काम करना चाहती हूँ, मतलब फेली अमली, या मुझे ठीक है कि आपकी दिल जरूरत के तहत मतलब मुझे अगर सिचुएशन आए तो वो करने के काबिल हूं। जी हाँ, हमने आजादियों को लिबास से क्यों जोड़ दिया है? हमें ये आजादी चाहिए कि हाँ, एक औरत बच्चा पैदा करना चाहती है तो करे, नहीं करना चाहती तो नहीं करे। अगर वो करियर बनाना चाहती है अपना, और कोई शख्स उसको जबरदस्ती इसलिए बच्चा पैदा करवाना चाहता है कि बच्चा होगा तो गुजारा हो जाएगा, वरना भागना जाए मुझे छोड़, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब उस अपने लाइफ के डिसीजन करने की उसको आजादी दें, अगर वो कुछ बनना चाहती है तो उसको बनने दें, उसमें मत रस्ते रोकें। लेकिन ये औरतों को बेटियों को समझना चाहिए कि सिर्फ लिबास की आजादी आजादी नहीं। ठीक है, अच्छा आपका पॉइंट आ गया। इसमें मैं एक कॉमेंट करूंगी, पहले मैं इनसे इनका लूंगी जो कहना चाह रहे हैं। सॉरी आपका नाम मैं भूल गई, उसामा की बात सुनना चाहूंगी। अब आपने मुझे याद ये दिलाना है कि मैंने इस पे बात क्या करनी है। आपने जो बात की ना कि आप मुझे जो समझ आए कि अगर जरूरियात जिंदगी और अपना किरदार निभाने के लिए अगर उसको किसी चीज की परमिशन चाहिए तो वो उसको होनी चाहिए, या वो कुछ करना चाहती है तो वो उसे करना चाहिए। लेकिन अगर उसे उसके अपने मन में एक बात आ रही है कि मैं ये कर लूं, तो वो फिर सोचे ना यार ये नहीं सही है, ये नहीं सोसाइटी मेरा। आप ये कह रही हैं यानी अपनी जात के लिए अगर उसको, यानी अगर अपनी लाइफ में अपना किरदार निभाने के लिए जिम्मेदारी, यानी जिम्मेदारी तो देखिए ना आप उसमें खानदान ले लें, इर्द गिर्द के लोग ले लें, अगर उस सारी बुनत के बीच में अपना किरदार निभाने के लिए उसको कुछ करना है तो उसे आजादी होनी चाहिए। लेकिन उसका अपना कुछ दिल चाह रहा है भाई मैं तो शॉर्ट्स पहन के बैठ जाऊँ, या मैं तो जी ये काम कर लूँ, मैं तो जी रात को देर से घर आऊँ, कोई ऐसी बात उसके जहन में आ रही है, तो वहां पर हमें उसको आजादी नहीं देनी चाहिए। रात को देर से भी आ रही है तो किसी काम से आ रही होगी। आज के दौर में जो बच्ची रात को चाहे कि मैं 1 बजे कॉन्सर्ट अटेंड करके अकेली घर आऊं तो अम्मा आपको क्यों एतराज है, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, ये तो सरासर उसकी खुद सरी है। देखिए वो जो बात आप कह रही है ना, वो तो शायद आपका बेटा भी कहेगा तो आप उसे लाओ निकल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज है। मेरा कंसर्न कुछ और है। अगर मेरा बेटा ये कहता है कि मुझे रात को दोस्तों के साथ 12 बजे या 1 बजे खत्म होगा और वो मुझे ड्रॉप करके जाएंगे, हम 5-6 लोग होंगे, वो मुझे ड्रॉप करके, यही बात मेरी बेटी कहती है। देखिए उनकी पर्सनल अपनी लाइफ के लिए वो एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं ना, इसमें तो कोई किरदार निभाना ये जिम्मेदारी वाला सीन नहीं है। मैं जो आपकी बात समझी हूँ, हो सकता है मैं गलत समझी हूँ, कि अगर उसको एक अपना किरदार निभाने के लिए, अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए कुछ करना है, यानी जॉब करनी है, या जॉब के लिए उसे 1 बजे तक अपनी शिफ्ट लगानी है, तो वो ठीक है। लेकिन उसे अपनी जात के लिए चाहिए, 1 बजे वो वापिस आ रही है, तो टू मच हो गया भाई। ये कहां तक जो मैं आपको बात कह रही ना, हर बंदे की अपनी लिमिटेशन है। आपकी यहाँ है, किसी की यहाँ होंगी, किसी की इससे भी पीछे होंगी। सो कोई कहेगा अच्छा नाइट शिफ्ट है ना, जॉब भी नहीं करो, चाहे अब भूखे मर जाए ना आप जॉब नहीं करें, आपको और नहीं कुछ मिल रही बस बैठ जाए अपने अपने वो अखराजात कम कर लें, सो बातें वो निकालेगा। सो वो कहाँ तक में आपका जो नैरेटिव मुझे समझ आता है वो ये समझ आता है कि उसे अपना किरदार निभाने के लिए, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए जो भी करना पड़े उसको इस चीज की फ्रीडम होनी चाहिए। ये एम्पावरमेंट और ये ड्यू एम्पावरमेंट है, इससे आगे अनड्यू है। ठीक है, अच्छा उसामा आप कहना चाह रहे थे कुछ। मैं मैम से एग्री करूँगा, बात की थी कि एम्पावरमेंट जो है वो है कि पावर टू मेक योर ओन डिसीजन ना। ठीक है, तो उसमें फिर लिमिट जो है वो हर बंदे की सब्जेक्टिव आ जाती है कि आप सोसाइटी को किस तरह से देख रहे हो, परसीव किस तरह से कर रहे हो, अपनी जो है आपने कहाँ तक जाना है उसको आप किस तरह से परसीव कर रहे हो। जिस तरह ड्रेस पे हमने बात की है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़की है वो अबाया नहीं करना चाहती, उसके घर वाले कहते नहीं जी अबाया करो अबाया करो, उसको आज़ादी होनी चाहिए क्योंकि उसने करना है नहीं करना। तो हमारे यहाँ पे जो है ना ये थोड़ा सा इशू है, तो इसका बिल्कुल उल्टा हो जाए जिस तरह फ्रांस में वो उस पर बैन लगा रहे हैं, तो मैं समझ लूँगा वो भी गलत है कि अगर कोई खातून अगर अबाया करना चाह रही है तो फ्रेंच जो है गवर्नमेंट उसको कहती है कि आप नहीं करो, तो आई थिंक वो गलत है, उसकी मर्जी उसने करना उसको करने दो। तो दूसरा फिर जो आ जाता है कंसर्न उसका सेफ्टी का, तो वो तो फिर हर बंदे का अपना जेन्युइन कंसर्न है, वो तो हर एक है ना, वो मेल के साथ भी फीमेल के। हाँ वहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन एक और है
कि अगर एक बजे एक मेल को सोसाइटी में कोई खतरा नहीं है और फीमेल को है, तो यहाँ हम इस बात पे हम ही सोचेंगे ना कि क्यों है. दैट्स व्हाट वी नीड टू थिंक ऑन. हम जो यहाँ बैठे हैं तो एम्पावरमेंट पे बात करें, तो जो मैंने आपको सबसे पहले बात की थी कि क्यों एम्पावरमेंट की जरूरत है. सोसाइटी ऐसी बन गई है ना, हमारे बिहेवियर्स ऐसे हैं, हमने किरदार ऐसे सेट कर दिए हैं, हम बिहेव ऐसा करते हैं. हम एक बजे एक लड़का जा रहा है तो उसको कोई भी नहीं देखेगा, एक लड़की एक बजे जा रही है उसको सब देखेंगे. ये सब क्यों देख रहे हैं, उनको क्यों ये बात अजीब लग रही है. इस पर अगर हम बात भी नहीं करेंगे तो आप कितनी 3 जनरेशन या 8 जनरेशन के बाद सुधार आएगा, तो कभी भी नहीं आएगा. जो एक आइडियल सिचुएशन होती है, जब तक उस पर बात नहीं की जाती, उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता कि हाँ ये सही बात है, उसकी तरफ तो सफर ही नहीं शुरू होता. वो सफर शुरू होता है और फिर यस एक प्रोसेस होता है जो जनरेशन बाय जनरेशन चलता है. आज का एक मेल अगर ये सोचता है, उसको देख लेता है और 5 बातें सोचने, यार ये मुझे जज नहीं करना, ये नहीं कहना था, कोई बात नहीं, ओ खातून है तो, लेकिन फिर भी वो अपने आप को उस तरह रोक नहीं पाता. उसकी अगली जनरेशन उससे बेहतर बिहेव करेगी, उससे अगली बेहतर बिहेव करेगी. लेकिन अगर वो इस बात को सोचने पे ही नहीं कभी आएंगे कि एक और बात है, और चलते ही जाएंगे, रेवड़ चलता ही जाएगा, तो फिर तो आप 10 जनरेशन के बाद भी हालात शायद इससे ज्यादा बुरे हो जाए, इससे अच्छे नहीं होने वाले. जी सर, सोसाइटी फकत उसी वक्त आगे बढ़ सकती है या तरक्की कर सकती है कि जहां पर जेंडर इक्वलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है. मतलब हम, मैं अपने औलाद में बेटा हो या बेटी, उसमें कोई तकलीफ ना करूं, और मैं इक्वली उनको इंपावर करूं एजुकेशन में, सोशल एग्जिस्टेंस में, पांव पे फाइनेंशियली खड़े होने पे, और उनकी राय पे, उनकी मर्जी पे, यानी उनको इतना इस काबिल बनाऊं कि दे मेक सेल्फ डिसीजंस कि क्या करेक्ट है. मतलब, और इसमें जेंडर की तफरीक नहीं रखी जाए. मतलब ये वाला सोचना कि लड़की या लड़का कोई मुख्तलिफ होते हैं, या उनको कोई इक्वल राइट्स नहीं है, या उनको इक्वल पढ़ाना नहीं है, या उनको इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं. मतलब मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार ये कोटा क्यों रखे जाते हैं, कि आपने ख्वातीन के लिए कोटा रखा है, या ये रख, मतलब वाय आप इम्तियाजी सलूक क्यों कर रहे हैं. तो मतलब माशरा उसी वक्त तरक्की कर सकता है कि जब मैं इक्वल अपॉर्चुनिटी पे मेल फीमेल दोनों को देखूंगा, और उनके लिए जो है वो चीज को क्रिएट करने के लिए, तख्लीक करने के बारे में सोचूंगा. Exactly. ये बात, मतलब उसके बगैर जो है वो चीज आगे नहीं बढ़ सकती, आगे नहीं बढ़ सकती. अच्छा, इसमें एक और चीज, जैसे आप जैसे पेरेंट हैं, पेरेंट्स हैं, वो ये चाहते हैं कि मैं अपनी औलाद में मेल और फीमेल दोनों बच्चों को, जी हम चाहते हैं सोसाइटी में हो, लेकिन हम अपनी सोसाइटी में तो हम एकदम यूं छड़ी घुमा के नहीं कर सकते. सोसाइटी का जो हाल है वो आपके सामने. लेकिन मैं अगर ये समझती हूँ कि मैं अपनी बेटी और बेटे को एक जैसा उनका ब्रॉट अप करूँ, मुझे बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी को मैं वन गो में नहीं बदल सकती. मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा अगर यहाँ जा रहा है, मेरी बेटी भी यहाँ जाए, तो उस बेटी के वहाँ जाने में मुझे भी बहुत कुछ सहना पड़ सकता है और उस बेटी को भी बहुत कुछ सहना पड़ सकता है, बिकॉज हमने इंस्टेंटली माशरा नहीं बदल दिया. अगर मेरी सोच बदली है तो अभी तो सबकी सोच भी नहीं बदली. अगर मैं एक्शन के लेवल पर चली गई, एक तो है ना, आपने सोच लिया ये चीज़ ऐसे थी, आप कर नहीं पा रहे, आप करने की जगह पर पहुँच गए, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने अपने बेटे और बेटी की एक जैसी तरबियत करनी है. इस सोसाइटी में, पाकिस्तान में रहते हुए, आपको डेली बेसिस पे 1001 प्रॉब्लम्स आएंगे. आप कितना उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कितना उनको हैंडल कर लेंगे, किस तरह से लेके चलेंगे, कितने फर्म रहेंगे, कितना लोगों से लड़ लेंगे, कितना स्टैंड ले लेंगे, ये सब बातें डिसाइड करेंगे कि आपकी बेटी आपके बेटे के साथ कितनी एम्पावर हो जाएगी एडल्ट होने तक. तो मैं इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ. ये वो लोग हैं जो सोसाइटी में चेंज लाने का, आप समझ लें कि बेड़ा उठा रहे हैं. वो अपनी औलाद के लिए तो एक अच्छे वालिद हैं या अच्छी वालिदा हैं जो ये सोचती हैं और अमली तौर पे उसको कर रही हैं, लेकिन सोसाइटी में भी वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं. जब कोई एक काम एक इंसान करता है, दूसरा करता है, तीसरा करता है, तो वो उतना ऑड नहीं रहता जितना वो पहली दफा था, चौथी दफा, पांचवी दफा. तो यस, मैं उन पेरेंट्स को तो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ. अब वो मेरे दिल से बहुत करीब हैं जो अपने बेटे और बेटी की एक जैसा ब्रॉटअप करना चाहते हैं और कर रहे हैं और उसके लिए स्टैंड ले रहे हैं और उसके लिए लोगों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने बहन भाइयों की
बहुत सी मुखालफत के सामने खड़े हो रहे हैं और सोसाइटी के सामने खड़े हो रहे हैं। मैं अगर अपनी जाती आपको बात बताऊं तो मैं समझती हूं कि मेरे वालिद, मेरी जितनी भी एम्पावरमेंट है या मैं जो भी जिंदगी में कर पाई हूं, मेरे अपने फादर जो हैं उनका इसके पीछे बैकिंग थी कि वो सोसाइटी, जाहिर है अगर मैं भी ये सब जो आज कर रही हूँ या जो हूँ मैं आज, अगर ये मैं खुद से बनना चाहती तो नहीं कर सकती थी। तो मैं जो वो बात कहती हूँ ना कि ये कौन करेगा, एक ये भी था क्वेश्चन कि कौन एम्पावर करेगा, ये भी एक क्वेश्चन है कि लेडीज को या वुमेन को या एक बच्ची को, एक गर्ल को कौन एम्पावर करेगा। तो मुझे लगता है सबसे पहले उसका फादर होगा, मदर भी बाद में है, अब जो हमारा फैब्रिक सोशल बना हुआ है सो मदर भी शायद बाद में आती हैं, फादर एम्पावर करने की पहले ठान लेगा, फिर वो कितनी हिम्मत कर पाएगा उतनी वो खातून, उतनी वो लड़की एम्पावर्ड हो जाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है या मेरी पर्सनल राय है। अच्छा, अब और कोई कुछ कहना चाह रहा था, अभी हम डिसाइड करें क्यों के ऊपर हम बात करें। जी, थैंक यू मैम। एम आई ऑडिबल? यस। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में हम बात करें तो आपने जो पहले कहा कि बच्चा पैदा होता है तो कितना एम्पावर होता है, बात वहां से स्टार्ट हुई थी और पता नहीं कहां चली गई। एक तो ये 90 मिनट्स का सेशन इस टॉपिक को कंक्लूड करने के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम सिर्फ क्यों को डिस्कस करेंगे तो डिफरेंट एंगल्स आ जाते हैं। ठीक है। एम्पावरमेंट इज मोर लाइक एक्सेप्टिंग किसी के व्यूज, एक्सेप्टिंग द पर्सन इटसेल्फ, हां हिमसेल्फ और हरसेल्फ। पर्सन का डिपेंड करता है सोसाइटी पर, वो कहाँ पैदा है। वो अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी में पैदा होता है तो उसके एम्पावरमेंट के डिफरेंट पैर आए हैं। वो अगर साउथ के पीके में पैदा होता है तो उसके फिर डिफरेंट पैर आए होते हैं। यानी कि एम्पावरमेंट मेनली डिपेंड ऑन द सोसाइटी जहाँ पे उनका ब्रॉटअप होता है। क्यों होना चाहिए, ये डिपेंड करता है माशरे में रहने वालों पर, यानी कि जो माशरे में रहते हैं। अब अगर वो मेल है या फीमेल दोनों, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। यानी कि अगर एक लड़की है वो विदाउट मेल नहीं एग्जिस्ट कर सकती। अगर वो हम कहे कि एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वो पॉजिटिव में वे में एग्जिस्ट करती है, मेल विदाउट फीमेल एग्जिस्ट करता है पॉजिटिव वे में, सक्सेसफुल बन जाता है, ये भी इम्पॉसिबल है। दोनों डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर। हमने कहा कि मेल, यानी कि ये हॉनरेबल मैडम की बात से कुछ ऐसा लगा कि मेल को करना चाहिए, मेल को करना चाहिए, हालांकि मेल खुद कितने चैलेंजेस में गिरा पड़ा है उनसे ज़रा आप पूछ ले फिर आपको पता चल जाएगा कि मैन एम्पावरमेंट मस्ट है एज कम्पेयर टू वुमेन एम्पावरमेंट। क्यों करना चाहिए, सोसाइटी है, वुमेन एम्पावरमेंट को हम हेल्थ एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, फैमिली, कम्युनिटी, कंट्री अगर करना चाहते हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट करना मस्ट है। ठीक है। अच्छा, यानी अब मैं ये समझती हूँ कि हमने अभी जितनी डिस्कशन की है उसको मैं थोड़ा सा सम अप करती हूँ या उसकी कोई कंक्लूजन निकालने की कोशिश करती हूँ कि हम ये देख लें कि अब किसी ने बात की घर के अंदर तक, किसी ने बात की ऑफिस एनवायरनमेंट, जीना सीखना या कमाना, आपके सोशल इसकी इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस की अगर जॉब करी है या अपने अपनी जिंदगी को खुद चलाने के काबिल है तो इंडिपेंडेंस है उसकी। ये सोशल हमने बात की कि सोसाइटीज को कितना एक्सेप्ट करती है, तो एक घर हो गया, एक ऑफिस हो गया और एक सोसाइटी होगी। इन तीन डिफरेंट जगहों पे हम देख रहे हैं कि हमें एम्पावरमेंट की क्यों ज़रूरत है, ये हमने भी देखा। कहाँ तक भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया, अभी कहाँ तक पे अभी बात करेंगे कि अब इन तीन चीज़ों को ही लेके चलते ना कि घर के अंदर हम एम्पावरमेंट से क्या समझते हैं या ऑफिस में क्या समझते हैं जहाँ पे उसकी वर्क प्लेस है, जहाँ से वो पैसा कमा रही है, अपनी ज़िंदगी को फाइनेंशियली कैसे मैनेज कर रही है, वहाँ उसकी कितनी एम्पावरमेंट है। और फिर सोसाइटी में जब हम एक चीज़ और है जो हम डिफरेंट कैटेगरीज़ में हमें देखने की ज़रूरत है, जो नुशाबा आपसे भी बात हुई तो मैंने की, एक वो बात है जो हम कहते हैं कि इसे जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए, क्या हमें जीने के लिए सिर्फ पैसा चाहिए? एक मेल यहाँ पे, अच्छा ओवरऑल देख लें, फीमेल और मेल, हमारा मैं जो मसला एक ये भी देख रही हूँ कि हम काम करने वाली मशीन है, हम पैसा कमाएंगे, हम बच्चों, मेल्स की स्पेशली, क्योंकि ज़्यादातर मेल जो है वो अर्न कर रहे हैं सोसाइटी में, मेजॉरिटी उनकी है, तो वो सुबह जाते हैं पैसे कमाते हैं, इधर सर खपाया उधर सर खपाया, शाम तक आते हैं उनका बुरा हाल हो जाता है, फिर घर है, फिर सो मैनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ पे फिर भी इतने बुरे हालात नहीं है। अगर आप वेस्ट वाली साइड पे चले जाए तो आप देखें वहाँ इंसान मशीन बन चुका है, उस एक मशीन के साइकिल का साइकिल में लग जाने या उसका एक पुर्जा बन जाने के बीच में अपनी जात नहीं रही है, अपना आप नहीं रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम जब इंसान की बात करते हैं कि इंसान कैसे जिएगा, आपको एक जिंदगी मिली है, उस जिंदगी को गुजार के आपने एक दिन मर जाना है,
उस सारी जिंदगी की जर्नी में आपने पैसा कमाया, खाना खाया, चार पांच और लोगों को खाना खिलाया और आप फोत हो गए। आप अपनी, आपकी अपनी जात थी कहीं पे, कोई आपकी एस्थेटिक्स थी, कोई आपकी अपनी ख्वाहिशात थी, कुछ कुछ आपकी अपनी खुशी थी, कुछ आप अपने लिए करना चाहते थे। देयर सो मेनी थिंग्स दैट वी नीड टू टॉक एटलीस्ट थिंक अबाउट। अब उस सब के बीच में हम एक फीमेल को, अभी तो अब मैंने एक मेल की बात की ना, वो इस सारे प्रोसेस से गुजर रहा है और उसकी इतने काम है और उसका इतना सब कुछ है, उसकी अपनी जात किधर है, उसका अपने लिए टाइम है, वो अपने लिए कुछ उसकी एक्टिविटीज है, वो कुछ करता है नहीं करता है, वो खुद कहाँ है इस सारे प्रोसेस में, जहाँ वो अपने लिए और दूसरों के लिए कमा रहा है और बस एक पेट पाल रहा है, उसके बीच में वो उसकी अपनी जात कहाँ पे है। क्या हम यही क्वेश्चन, यही सोच एक फीमेल के लिए रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखना तो चाहिए ना, यानी रखना चाहिए, तो हम रखेंगे कि नहीं रखेंगे? हम ये कहेंगे कि देखो तुम अच्छे से पैसा कमाना सीख लो ताकि कल को तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें अब्यूज नहीं कर सके, फाइन। लेकिन ये सब बातें तो हम अस्सलाम वालेकुम सोसाइटी के हिसाब से ये सब बातें तो चल रही हैं, उसकी अपनी जात को हमने नहीं भूलना, ये हमने मेल की भी नहीं भूलना और फीमेल की भी नहीं भूलना, इसमें बात करेंगे। अब हम कहां तक, उसी का तसलसल है ना, कहां तक हम वो एम्पावरमेंट कहां तक जाते हैं, क्यों को सम अप करती हूं, क्योंकि हमारी सोसाइटी का फैब्रिक ऐसा है कि जिसमें हमें विमेन एम्पावरमेंट बात करनी पड़ी है, हालांकि होना ये नहीं चाहिए था। जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स लिविंग इन द सोसाइटी, कि वो क्या करते हैं, वो कैसे पैसा कमाएंगे, वो अपनी जिंदगी कैसे लेके चलेंगे, सोसाइटी कैसे बेहतर एक एनवायरमेंट क्रिएट करेगी ह्यूमन बीइंग के लिए, एक फर्द के लिए, इंडिविजुअल के लिए, उसमें मेल और फीमेल दोनों आने चाहिए। लेकिन हमारी सोसाइटी में कहीं पे, बहुत जगह पे वैसे, कहीं पे कहती हूँ कसरे नफसी से कहा, कहीं पे तो कुछ है कि हमें ये बात करनी पड़ी है कि विमेन एम्पावरमेंट, हम इंडिविजुअल को एम्पावर करने पे बात नहीं कर रहे, हम विमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रहे हैं। तो यस, ये तो क्यों सम अप हो गया, अब कहाँ तक? अभी आपने इन तीनों डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में बताना है कि कहाँ तक, घर में कहाँ तक उसकी एम्पावरमेंट होनी चाहिए, ऑफिस में यानी वर्क प्लेस है जहाँ से वो पैसा कमा रही है या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ले रही है, वहाँ कितनी एम्पावरमेंट उसकी होनी चाहिए। एम्पावरमेंट को आप फ्रीडम के साथ मिक्स करते हैं, सब करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल अगर आप ज़्यादा रिफाइंड वे में एम्पावरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कुछ कह सकें, आई वुड अप्रिशिएट दैट। और तीसरी चीज़ उसकी अपनी सोशल एनवायरमेंट, ठीक है, और एक उसकी अपनी ज़ात, ये तीन चार चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम अब बात करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन है कहाँ तक, कहाँ तक पे अब हम पहुंचे हैं, अब कहां तक, अपना अपना कहां तक बताएं, कहां तक मतलब मैं ये समझती हूं कि इतना कर ले, यस देखिए हमने एम्पावर कर दिया, लेकिन से बाहर जाएगी ना, नहीं बात कहां। अच्छा एक और जगह से बात शुरू करते हैं, देखिए तो जब मैं आपको पूरी बात सुनूंगी, डोंट वरी, हम एक और जगह से बात शुरू करते हैं। एक शख्स जो ये समझता है कि जो फीमेल है दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अ मेल पर्सन, जो उसका जो भी मेल है उसके, और वो वही उसे करना चाहिए जो वो उसे कहा जा रहा है, और उसकी वो उसकी अपनी जात की बिल्कुल नफी कर देता है, और जो जो खातून कुछ कर रही है सोसाइटी में, चाहे जॉब कर रही है, चाहे वो अपनी जात के लिए कुछ कर रही है, या वो इंडिपेंडेंट है, या उसमें कोई एम्पावरमेंट की झलक या उसकी अपनी जात की कुछ नजर आती है कहीं पर उसकी जिंदगी में, तो उसके बारे में क्या सोचता है, उसके बारे में क्या सोचता है, ये तो खराब है, ये तो ऐसी वैसी। अब मैं नहीं कहती आपको, आपके दिमाग में 50-60 वर्ड्स आ ही जाएंगे, वो सब कुछ आप जेहन में रख लें। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप कहाँ तक को डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ तक, या आपका यहाँ तक, या और यहाँ तक, या आप वहाँ तक, और आपके पूरा जान हमारा है, जहाँ तक मर्जी, आप जो भी समझते हैं, वो पूरे जान वालों को निकाल दें, लेकिन जो एक लिमिट सेट कर रहे हैं कि यहाँ तक, उनकी लिमिट से जब कोई लेडी बाहर जाएगी वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, वो क्या करेंगे, उनका बिहेवियर क्या होगा, बिकॉज यही सोसाइटी का बिहेवियर बन रहा है ना। जब मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, लेट सपोज मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ, मुझे कोई साइड से होकर गुजरता है कि लेडी ड्राइव कर रही है तो मैं इसको हरास करूँ, उसकी एक सोच उससे ये काम करवा रही है, ये उसका बिहेवियर है ना, उसकी सोच का रिफ्लेक्शन है, उसके हिसाब से मुझे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, या वो गाड़ी चला रहा है मैं गाड़ी से, तो वो मुझे इस तरह, जो आपने बात की, मैं उसकी विमेन एम्पावरमेंट की लिमिट से बाहर निकल गई तो उसका ये रिस्पॉन्स आया, यहीं से सोसाइटी बिल्डअप हो रही है। जब मेरी लिमिट यहां है या वहां है, जहां भी है, जब मेरे लिमिट से कोई बाहर निकल जाएगा, मेरी उसके बारे में सोच क्या होगी और मेरा उसके साथ बिहेवियर क्या होगा, मैं क्या रिस्पॉन्स दूंगी, इस पे अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। कौन पहले,
कहाँ तक से नुशाबा, फिर आप कहाँ तक बताएंगे? ठीक है बताएं। बोलना चाहिए? जी 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 जी, नहीं आप बिल्कुल बिल्कुल बोले, उसके बाद सब बोले। एक बात मैं पहले बता दूं आपको, शायद कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। जी जी, बच्चे ने भी कहा कि मैं ये चाह रही हूँ शायद के मर्द करे काम। मैं ये कह रही थी कि मर्द ये क्यों करे। ठीक है, आप मिसअंडरस्टैंड किया आपने। दूसरी चीज ये कि कहां तक, ये जो आपने कहा अभी कि बच्चों की आजादी, तो मैं फिर पर्सनली आपको बता दूं, मैं इस जो कुछ बोल रहे हैं अपने तजुर्बों की उसमें बोल रही हूँ। पहले मेरा भी ये ख्याल था कि बस खुली आजादी, उसका नतीजा ये हुआ कि जब मेरी बेटी शी इज 25 मार्शल, तो उसका वो जो टीन एज वाला टाइम था, नई नई ताकत आ रही है, कदम माँ बाप से उनके बराबर हो रहा है, ऊंचा निकल रहा, वो टाइम इंतहाई नाजुक होता है। आप उसको हैंडल कर लें और एजुकेशन में कंप्रोमाइज नहीं करें, आपके बच्ची अपना रास्ता खुद बनाएगी। और वो इतनी स्ट्रांग है कि वो रात की जॉब कर रही है, वो रात के 3 बजे अकेली ड्राइव करके घर आती है। लेकिन मुझे पता है कि मैंने किस तकलीफ से गुजर के उसको इतना मजबूत बनाया। बिल्कुल सही कह रहे हो। और एक ये भी बात, वो इस्लामाबाद में, वो फैसलाबाद में होती नहीं, वो इस्लामाबाद से जाती है DHA। बीच में काफी कुछ आता है जो मुझे परेशान करता। कहाँ तक का मैं जवाब देना चाह रही थी कि एजुकेशन पे अगर आप कंप्रोमाइज नहीं करते ना बच्चे की, वो रास्ता बना लेगी। हमारे माँ बाप ने सिर्फ सवाल करना, मेरे फादर ये कहा करते थे सवाल जरूर किया करो, ये अलग बात है सवाल करके फिर डांट ही पड़ती थी, लेकिन इतना इनकरेजमेंट उन्होंने दी, तो आज मेरे में ये जुर्रत थी कि मैंने अपनी बेटी को इतना पावरफुल बनाया। वो बहुत देर नहीं लगने की, जितनी तेजी से जमाना बदला, हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के लोग सोच नहीं सकते थे कि हम अपने बच्चों को इस तरह से तरबियत करेंगे। तो कहाँ तक का, मेरा ये ख्याल है कि आप उसको तालीम इस हद तक दे दें कि वो खुद डिसाइड करे कि उसकी लिमिट्स क्या है। ठीक है, ठीक है, यूं कह लें कि जहाँ सोसाइटी में वो रिस्क फील करे तो वहाँ वो खुद रुकने के काबिल होते, इतना उसको ट्रेन करें। उसको खुद डिसाइड करना है कहाँ तक वो, मैं तो अब उसमें शायद निकल गई उस कैटेगरी से कि मुझे अभी जद्दोजहद करनी है, या मेल तो खैर उसमें होते ही नहीं, तो ये हमारा डिसीजन नहीं होना चाहिए। मेरा उस पे नोट करें, मेल बेचारे बहुत पट जाते हैं, मतलब वो पिट जाते हैं नौकरियां ढूंढने में, और फिर स्टार्टिंग इससे होगी और ये लव्स शायद ग्रिप में आ जाते हैं जैसे पहले आ गए। मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये कि मर्द को ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि औरत को कितनी इजाजत चाहिए, या मुझे माँ की हैसियत से ये डिसाइड नहीं करना है कि मेरी बेटी को कितनी आजादी चाहिए। मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे उसको कितना शऊर देना है, मुझे उसके भाइयों को कैसे हैंडल करना। ठीक है, जो एग्जैक्ट सारा वक्त मेरा सर खाते हैं कि अम्मा फेस तो हमें करना पड़ता है, बाहर तो हम निकल रहे हैं, घर आप तो घर में बैठे, उनको किस तरह बताना है कि बेटा तुम इनसे बर्तर हो जो बातें बनाने वाले हैं, कि तुम में ये ताकत है कि तुम्हारी बहन ये कर रही है और तुम ये करने दे रहे हो। ठीक है, और ये जो हम करते हैं ना कि अच्छा एजुकेशन मुकम्मल हो गई अब शादी कर दो, ये सबसे बड़ा जुल्म करते हैं। उसके बाद उसको डिसाइड तो करने देंगे उसको शादी चाहिए या उसको मजीद एजुकेशन चाहिए या अपने पांव पे खड़ा होना है, जो सही मानो या कुछ भी नहीं चाहिए, या हमारी जो या कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब हमने एक दरख्त को बना दिया, जब उसका फल लगने का वक्त आया, नहीं जी शादी कर लो शादी कर लो, फिर हमने उसका तना काट दी। तो ये एक चीज नहीं हो, ये कहां तक मेरे ख्याल में ठीक है। और जी कोई कहां तक पे बात करना चाहता है? जी 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 जी, आप बोले, आ जाएगी आवाज। मैम टॉपिक तो बहुत अच्छा है, जेंडर से भी रिलेटेड है, बिल्कुल पूरा देखें टॉपिक, वुमेन एम्पावरमेंट। मैम मैं अगर मेंशन करूं कि घर से एक मिसाल ले लेता हूं कि मेरी एक साल फर्क है मेरी और मेरी सिस्टर की, तो वही बात है कि क्यों कहां तक और कैसे, कि ये फर्स्ट क्वेश्चन इज ये है कि मैं हम साथ पढ़ रहे थे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में, मैं और मेरी सिस्टर, फिर 5th-6th क्लास के बाद हम लोग अलग हुए, वो एक गवर्नमेंट स्कूल गई, मैं वही प्राइवेट स्कूल में कंटिन्यूसली पढ़ रहा था। तो उसके बाद यही कि मैं हम लोग स्कूल अलग हुए, वो गवर्नमेंट स्कूल चली गई, मैं प्राइवेट स्कूल में मैंने कंटिन्यूस किया, तो उसी तरह चल रहा था। फिर स्कूल हो कंप्लीट हुआ मैट्रिक, फिर FSC, फिर इसी तरह यूनिवर्सिटी लेवल तक।
सिस्टर 12 जुमा तक पढ़ी तो फिर उसके बाद यही क्वेश्चन वो हुआ कि कहाँ तक, मतलब उसका एजुकेशन स्टॉप हुआ कहाँ तक, यही वजह थी कि मतलब ये डिपेंड कर रहे थे। जैसे मैम ने अभी मेंशन किया कि मेरी बेटी 25 इयर्स की है और अभी वो फ्री है, जॉब कर रही, जा रही, आ रही है, तो ये डिपेंड कर रहा होता है मतलब सोसाइटी प्रोविंस लिहाज से कि एक बंदा इस्लामाबाद में रह रहा होता है कि मैं इधर इस्लामाबाद में देख रहा होता हूँ कि एक बंदे का मतलब सोच एटमोसफेयर बहुत असर डाल रहे होते हैं एक इंसान की सोच के मुताबिक, मतलब जिस तरह आप ड्रेसिंग कर रहे होते हो, जैसे आपका सोच मेंटेलिटी बिल्डअप हो रहा होता है। और अगर आप यही चीज मतलब फॉर इंस्टेंस आप बलूचिस्तान में ले ले, फिर उसी तरह क्वेटा में, फिर क्वेटा में से एक विलेज आप ले लें ना, तो आप इवन के वहां पे औरत अकेली जा ही नहीं सकती, ये ड्रेसिंग ये चीज तो दूर की बात है, फिर रात को 3 बजे आना, इवन वो खुद ही सिक्योर फील नहीं कर रहा होता कि मैं इस तरह बाहर जाऊं और आओ, ये चीज दूसरी। और फिर यही कि कैसे, मिसाल के तौर पर कैसे, तो नहीं कैसे पे अभी हम बाद में बात करेंगे, मैं आपको कहां तक मिसाल के तौर पर ये एजुकेशन कहां तक की बात की ना, ये आपने ग्राउंड रियलिटीज बताई है, ये हमारी सोसाइटी में हो रहा है। आपका अपना ख्याल क्या है, आपकी अपना आइडिया क्या है कि होनी कहाँ तक चाहिए? ये तो है जो यहाँ तक है, मेरा तो कहीं पे बहुत कम है, कहीं पे थोड़ी सी बेहतर है, कहीं पे थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन होनी कहाँ तक चाहिए, एक जो हम हमारी सोच कहाँ तक जा सकती है? कहाँ तक मीन्स के फ्रेंच रिवॉल्यूशन से अगर हम देखा जाए कि फेमिनिस्ट वेव्स, जेंडर स्टडीज के अगर हम देखा जाए जो वेव्स है, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, राइट टू वोट अगर बात किया जाए, फिर इसी तरह माशरे में उसको हिस्सा देना चाहिए, तो ये चीज अगर हम देखा जाए ना तो वो इक्वल ही होना चाहिए। अगर हम देखा जाए इक्वालिटी होनी चाहिए, अगर मैं डॉक्टर बन सकता हूँ या ऑफिसर बन सकता हूँ, वो भी बन सकती है, उसको भी राइट्स दे दो, उसको बाउंड नहीं रखनी चाहिए घर तक कि आप बस घर के काम, कपड़े इस्त्री करो, बर्तन दो, खाना बनाओ, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि उसको भी पढ़ना चाहिए, आगे ले जाना अपनी स्टडीज को, सोच को मुताबिक, तो वही डिपेंड कर रहे होते हैं सोसाइटी और एरिया। और कोई कुछ कहना चाहता है जी, माइक इधर तक पहुंचा, कहां तक पे बात कर रहे हो, कहां तक? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक कोई भी एक औरत अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकती है ना, बी एट फाइनेंशली, एजुकेशनली, या वो जिस भी तरीके से अगर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है ना, उस हद तक शी इज एक्सेप्टेबल, मतलब वहां तक उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप वही कोई आई8 में आके अगर आप पोल डांस करते हो और आप कहते हैं कि ये एम्पावरमेंट है, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। वहां आके आप जब चैलेंज करेंगे ना सोसाइटी को, और वो भी एक ऐसी चीज जो कि हम मतलब बींग एन इस्लामिक स्टेट भी आपको अलाउ नहीं करती, ना हमारा माशरा वैसा है, ना हमारे लोग ऐसे हैं जो कि, ना हम वेस्ट में रह रहे हैं कि लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे ऐसे। तो जब आप कोई गलत वैल्यू लेके आएंगे और आप उसको कहेंगे कि एम्पावरमेंट है, तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा उस चीज को। तो आई थिंक गलत वैल्यूज नहीं, सही वैल्यू आप जहां तक भी लेके जाएंगे ना, कोई आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, और आप लोगों को और इंस्पायर करेंगे कि अगर ये अपनी बेटी को करा सकते हैं तो हमें भी कराना चाहिए। तो आई थिंक वो उस चीज की कोई लिमिटेशन नहीं है। तो आपको अपनी वैल्यूज आई थिंक सेट करनी चाहिए। आपका नाम भूल गई, हदीस पिंतिया में। हदीस, अच्छा हदीस, जो आपने ये बात की कि गलत वैल्यू, यार सही वैल्यू क्या होती है, गलत वैल्यू क्या होती है, वो तो आपकी सब्जेक्टिव होती है, उनके लिए एक चीज सही होगी, मेरे लिए गलत होगी। अच्छा, मैंने आप पोल डांस की बात करी है, आई8 में उस लड़की ने पोल डांस किया, वो किसी के लिए गलत है, किसी को अच्छा ठीक है, मुझे क्या कह रही है, मुझे तो कोई नुकसान नहीं हो रहा ना, तो मेरे लिए ठीक है वो। अब क्या चीज गलत हो जाती है सोसाइटी के लिए, वही स्टॉपिंग एलिमेंट है, उसी के ऊपर हमें बात करनी, उसको हमें कहां तक ले जाना है। आप कह रही है सोसाइटी के लिए, मेजोरिटी के लिए गलत होगी, आप ये कह लें चले मेजोरिटी के लिए गलत होगी, मेरे जैसे किसी 2-4 लोगों ने समझ, अच्छा यार हमें क्या कह रही है, करने दो, हमारा तो कुछ भी नहीं जा रहा। लेकिन हमें उसको कहीं ना कहीं तो ये देखना पड़ेगा कि मेजोरिटी अगर ये कह दे कि औरतों को कत्ल ही कर दो, हम तो नहीं उस पर आने वाले, हम तो देखिए मेजोरिटी क्या कहेगी ये एक बात है, मेजोरिटी क्या समझती है, क्या चाहती है ये एक बात है, उस काम को मेरिट पे इवेलुएट करना ये दिमाग वालों का काम है। जब हम यहाँ बैठे हैं, हम बात करें तो हम ये देख रहे हैं क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या हो रहा है, और जो होना चाहिए उसका हमारे पास कोई रैशनल होना चाहिए, हम उसको
वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, वो सब्जेक्टिव है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज जो मतलब आप सोसाइटी में रह रहे हो ना, आप अपने आप को बिल्कुल अलग नहीं अपने आप को ट्रीट कर सकते। अगर आपकी वजह से सोसाइटी में कोई गलत चीज आ रही है ना, तो यूर मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, तो उस लिहाज से मैंने कहा था कि वो सोसाइटी से अलग नहीं है। ठीक है, तो वहां पे अगर आप किसी चीज को इम्पैक्ट कर रहे हो तो आपको फिर देख के चलना है। ठीक है, आप ये कहना चाहती हैं कि जहां तक आप सोशल नॉर्म्स की कंफॉर्मेंस के साथ जा रहे हैं वहां तक ये आपकी एम्पावरमेंट है, गो विद इट, आपको किसी को नहीं रोकना चाहिए। और जहां पे सोसाइटी में आप कोई गलत वैल्यू ला रहे हैं या कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं जो सोसाइटी की मेजॉरिटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, बल्कि यूं कह लें कि जो आप कोई गलत वैल्यू सोसाइटी में ला रहे हैं वहां पे उसकी आजादी नहीं होनी चाहिए या वो एम्पावरमेंट नहीं है, आप ये कह रही हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक नोट ऐड करूंगी, फिर किसी और से पूछते हैं जो कोई बात करना चाहता है। जो अभी मैंने एक बात की थी कि एक हमारा सोशल किरदार है, हमारा एक सोशल करेक्टर जो हम कर रहे हैं, आप वो जो किरदार निभा रहे हैं उसमें एक सोशल परस्पेक्टिव में है, एक हमारा घर के अंदर है, एक हमारा ऑफिस में, जो हमारी फाइनेंशियल लाइफ है, एक हमारी अपनी जात भी है। अगर मैं IIT में पोल डांस करना चाहती हूँ उससे किसी को क्या नुकसान है? ये मेरा क्वेश्चन है सोसाइटी से। आपकी वैल्यूज खराब हो रही हैं, खराब होने में मुझे नुकसान बताएं सोसाइटी को क्या है? एक पर्सनल स्पेस वो होती है, एक तो वो काम है ना, मैंने अपने बेटे के लिए करना है, अपने शोहर के लिए करना है, अपने बाप के लिए करना है, अपनी माँ के लिए करना है, अपनी बेटी के लिए करना है, ये वो हमारी जिम्मेदारी है जो हमारे गिर्द लोगों से जुड़ी हुई है। एक हमारी अपनी जात है, हम कोई भी काम, मुझे एक पर्सनल स्पेस है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है, वो इतनी होनी चाहिए कि उससे किसी को नुकसान नहीं आ पहुंचा रही। और जब तक किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंच रहा, फिर किसी को ये इख्तियार नहीं, सोसाइटी में ये आइडियली बात करी है तो बिल्कुल ऐसा नहीं, फिर किसी को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो आपको कि ये क्या कर रही हैं आप। किसी भी नहीं, अगर आप ये कहें कि नुकसान मेरा ये हो गया कि मुझे इसे देख के अट्रैक्शन हो रही है तो मैं तो उसे नहीं वैलिडेट करूंगा, नहीं, यू नीड टू, जी 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 श्योर, टोटली एग्री करती हूँ। किसी को जज करने का इख्तियार क्यों है औरत को? लाइक अभी हम आ रहे थे तो मैंने सबको स्मोक करना था, वो कर रहे हैं स्मोक, अगर मेरा दिल चाहे वहां स्मोकिंग करने तो औरत स्मोकिंग कर रही है, यस, वो मेरे कैरेक्टर से जुड़ जाएगा, यस yes. लेकिन एक मर्द स्मोकिंग कर रहा है तो उससे उसके कैरेक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। yes. मैम शायद ये बात, हाँ, जो पर्सनल आपकी स्पेस है ना जी, वो पर्सनल स्पेस आपको जिंदा रहने के लिए, खुश रहने के लिए, सेटिस्फाइड रहने के लिए वो चाहिए होती है, और हर इंसान को चाहिए, मेल को भी फीमेल को। ये मेंशन कर सकते हैं कि ये पैट्रियार्की सोसाइटी है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, यस, कि अगर हर चीज मर्द कर रहा तो स्टार्टिंग से लोग देखते जा रहे थे, अगर मर्द कर रहे तो कोई बात नहीं, अगर वुमेन करे ना वहीं पे वो पोल डांस एक मर्द कर रहा होता, यकीन करें ये टॉक ऑफ द टाउन नहीं होता। चार छह खड़े होके करेंगे करेंगे कुछ अप्रिशिएट करेंगे, अच्छा, और क्यों? क्योंकि किसी को एक्चुअल में नुकसान नहीं है, नहीं। उसको देख के औरतों का दिल नहीं कर रहा कि हम लिपट जाए इससे, या हम ये कर दें, या हम वो कर दें। सो दैट मीन्स कि अगर एक मेल की अपनी सोच अप टू द मार्क नहीं है, उसकी सोच पे और उसके रिस्पॉन्सेज पे, उसके नुकसान जो उसने डिफाइन किए मुबैना नुकसान के ऊपर हम मैरिड डीमैरिड डिसाइड नहीं करेंगे, हम मैरिड डीमैरिड एक बाशूर इंसान के उस हिसाब से करेंगे। अब सबका तो नहीं ये जेन हो रहा होगा ना, वो मैं तो बहुत मुतासर हो रहा हूँ बीइंग मेल कि जी ये पोल डांस करी, हकीकत में आप किसी बाशूर इंसान से पूछ लें, मेल और फीमेल, किसी बच्चे से ही पूछ लें कि अगर ये पोल डांस करी किसी को क्या नुकसान है, तो आपको कोई एक सेंसिबल नुकसान कोई भी नहीं बता सकता कि इसे क्या नुकसान। बट दैट वॉज अ हाइप, दैट वॉज अ टॉक ऑफ द टाउन, वही कोई एक लड़का कर रहा होता तो यकीन करें हर कम से कम जो खुद को बाशूर कहते हैं, प्रोग्रेसिव कहते हैं, वो कम से कम ये जरूर कह रहे होते कि ये जी रहा है ना जिंदगी, देखो रात के टाइम में IIT में खड़े होते सिर्फ ये उसी तरह है कि जैसे कॉन्सर्ट्स होते हैं या जलसों वगैरह में बंदे सारे वी ऑफन वॉच के जी वो डांस कर रहे हैं, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट अगर यही एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स आर एंजॉयिंग या वो डांस करती हुई आपको नजर आएंगी तो कहेंगे जी कॉम की बेटियों को क्या हो गया, और इस तरह की बात शुरू हो जाती है। देखिए मसला मेरे ख्याल में मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मेरे ख्याल में उस वक्त इतनी ज्यादा तफरीक नहीं होती थी, क्योंकि मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, आई थिंक वहाँ 70% लड़कियाँ होती थी, 30% लड़के होते थे, लड़कों की तादाद कम होती थी।
यानी लड़के कम कर दे तो ये भी शायद मसले का ख्याल है ऐसे मुझे अब उसमें मुझे तो याद है कि मुझे कोई शौक नहीं लगा लड़कियां सिगरेट पीती हुई नजर आई इवन ये हल्ला गुल्ला उस जमाने में स्टूडेंट्स यूनियन थी लड़कियां ज्यादा हल्ला गुल्ले में और सिलेक्शन में ज्यादा से पहले के जमाने एग्जैक्टली मैं 76 के अंदर कराची यूनिवर्सिटी में गया था और 81 तक इलेक्शन होते थे मतलब जिया के टाइम में और जिया के खिलाफ जितनी हड़तालें उन सब में हम शरीक भी रहे बल्कि हमने कराची यूनिवर्सिटी में ज्यादा कोई तकरीर भी नहीं करने दी थी लेकिन जमीयत तक को वहां प्रोग्राम के अंदर तारा घनश्याम उस वक्त जो मशहूर घनश्याम घराना डांस करना उनको जमीयत को भी अगर तुलबा का डे मनाना पड़ता था तो उन्हें बुलाना पड़ता था कि जी वो घनश्याम फैमिली भी उस प्रोग्राम के अंदर आए क्योंकि वो कराची के कल्चर की नुमाइंदा थी ठीक है कि जिया के हालात की बात मजबूरन उस घराने को अमरीका शिफ्ट होना पड़ा लेकिन उसकी जगह पर शीमा किरमानी वगैरह और दीगर लोगों ने ली और वो इनपावर करने का जो काम था उन्होंने थिएटर के जरिए डांस के जरिए चीजों के जरिए इनपावर किया और फेमिनिस्ट कास्ट को जो है बहुत आगे एडवांस किया जो कि मेरे पास तो क्लासिकल एग्जाम्पल है कि आप इस जरिए से भी ख्वातीन जो है वो इनपावर अपने आप को कर सकती है करना चाहिए दैट इज अबाउट योर ओन पर्सनालिटी एंड योर ओन सेल्फ और मैं खुद शीमा किरमानी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं स्टूडेंट लाइफ से वो दोस्ती है और मैं उस पर फख्र करता हूँ मेरे से बड़ी है मैं उनका एक स्टूडेंट हूँ लेकिन उन्होंने जो है वो बहुत लर्न करवाया कि जब जिया अमरीत आई और ख्वातीन की आधी गवाही और दीगर चीजों पे उन्होंने वुमेन एक्शन फोरम बनाया बाकायदा स्ट्रीट थिएटर के जरिए इन चीजों को जो है वो एक आगे बढ़ी वो और नसीन नजर इस्लामाबाद में रहती हैं आजकल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं इन सारे लोगों ने बहुत काम किया और ख्वातीन का फहमीदा रियाज की शायरी ने मतलब मैं बहुत सारी चीजों को याद कर सकता हूँ कि ख्वातीन ने कहाँ कहाँ अपने कैरेक्टर जो है वो पाकिस्तानी सोसाइटी में प्ले किए फिर वही ज़ियाउल्लाह के बाद कि हमारे पास बेनजीर इन पावर देखिए हम दुनिया के अंदर आज तक अमरीका के अंदर कोई खातून प्रेसिडेंट नहीं बन सकी पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ ख्वातीन को सरबरा एक्सेप्ट करना पड़ा बामरे मजबूरी देखिए बामरे मजबूरी कि जो सोसाइटी जिसके अंदर औरत की आधी गवाही और चीजें जिया के पीरियड में चल रही थी उसका जो एंड हुआ वो बेनजीर भुट्टो और फिर उससे इतने डरे या खौफजदा हुए ये हुक्मरान यहाँ के जो एस्टेब्लिशमेंट कि उसको मरवाना पड़ा अब ये जो पड़ा वाली बात है ना इसमें मैं एक नोट ऐड करती हूँ जब मैं अभी आप कह रहे थे कि मैं अपने बच्चों की एक जैसी अपब्रिंगिंग करना चाहता हूँ उसमें बहुत सारे पड़ा आ जाते हैं सोसाइटी को ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसका बाप तो कुछ नहीं कह रहा यानी अगर वो जा रही है तो हम एक दफा कहेंगे दो दफा उसका बाप कि तुम्हारा क्या मसला है मैं कर रहा हूँ तो ये पड़ा जब तक नहीं होता अब बेनजीर को एक्सेप्ट करना पड़ा एज हेड ऑफ स्टेट तो पड़ा से हो गया अगर इसी तरह से हम ये सोचते रहें कि इससे ये नुकसान हो जाएगा और इससे ये नुकसान होगा कोई भी पहली दफा में कोई काम नहीं करेगा तो वो सोसाइटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ही नहीं कभी और जब पड़ेगा ही नहीं तो वो होगा ही कभी नहीं तो ये पड़ा वाला भी एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरी बात जो आपकी बात से मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ आपने बड़े अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया कि मैं जब लिखती हूँ तो मैं रिलीजन नहीं रिलीजियोसिटी यानी जो मजहबियत की एक फिजा क्रिएट की गई है उसके बारे में मैं लिखती हूँ लोग कहते हैं कि आप क्यों हर वक्त ये बात करती हूँ क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हमारे जो सोशल फैब्रिक में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका कहीं ना कहीं सिरा रिलीजियोसिटी से ज़रूर मिलता जो एक रिलीजियोसिटी क्रिएट मजहबियत क्रिएट की गई है अगर 1971 में कराची यूनिवर्सिटी में लड़कियाँ जो हैं वो सिगरेट पीती थी तो आज ये इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में कोई लड़की जाते हुए सिगरेट पी के मुझे दिखा दे हम आगे गए हम पीछे गए हैं वो क्यों क्योंकि उसमें रिलीजियोसिटी का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ वो ज्यादा दौर में उसके बाद उसको प्रॉपर उसकी फीडिंग की गई उसको तनावर दरख्त बना दिया तो हमारे बिल्कुल मुंह पे चढ़ के वो आ गया कि आप कोई भी बात करेंगे तो आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ रोका जाएगा उसके ऊपर हवाला दिया जाएगा अब आप जहां से हवाला लेके आएंगे उस पर बात लाजमी होगी
अगर हमें ये करना पड़ा वाली उस पे आना है, उसके बगैर गुजारा भी नहीं है, उसके बगैर तो हम नहीं आगे नहीं जा सकते। तो अगर हमने उस जगह पे लेके आना है सोसाइटी की, उसे एक्सेप्ट करना पड़े, तो फिर उसकी जो बात है वो जहाँ बिल्कुल यहाँ आके खड़े होकर कह रहे नहीं कर सकते, तो हमें उसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। जब हम उस पर बात करते हैं तो फिर बात कहाँ जाती है। सो यस, वी नीड टू एड्रेस, अब जहाँ से भी हवाला आएगा, जो भी इरेशनल बात करेगा, जो भी किसी के राइट्स सोसाइटी में ख़त्म करने या उनको उसके इस्तेमाल की बात करके, हमें उस पर बात करनी होगी ना, हम उस पर बात करेंगे कि ये ऐसे क्यों है। अच्छा, और कोई कहाँ तक पे बात करना चाहता है? मैं एक चीज़ मेंशन करूँगा एम्पावरमेंट पे, कि अगर देखा जाए तो एम्पावरमेंट अगर वुमेन को दिया हुआ है तो फिर ये क्यों कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा होता? मिसाल के तौर नहीं कर रही होती, नहीं कर रही होती। यस, ठीक है। कि आप देखा जाए हर जगह जितना भी पावर उनको दिया जाए ना, वो इनसिक्योर फील कर रही होती। अच्छा अच्छा, चलें, मैं आपके तरफ, मैं बच्चों की तरफ बात ले जाती हूँ। बच्चा, मुझे लगता है कि एक परफेक्ट इंस्टीट्यूशन होता है कोई भी चीज अंडरस्टैंड करने के लिए। एक बच्चा सांप से नहीं डरता ना, हम डराते हैं उसको, थोड़ा सा बड़ा होता डरने लग जाता है। अब आप सारी जिंदगी उसके दिमाग से वो डर नहीं निकाल सकते। एक बच्ची जब पैदा होती है तो आप उसको फ्रॉक पहना दें या उसके ऊपर लहाव डाल दें, वो दोनों सूरतों में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम उसको सिखाते हैं ना, तुम्हारा ये लिबास ठीक नहीं और ये ठीक है और ये ऐसे और ये हम उसको सिखा, हम उसके डर पैदा करते हैं कि अगर ये आप पहन के जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब हमने एक डर की फिजा बना दिया और उस डर की फिजा का एक्चुअल ग्राउंड में एक एक्सपीरियंस भी उसको होना है और वो मौजूद है, वहीं पे तो एम्पावरमेंट आती है कि मैंने अपनी बच्ची को ये बताना है कि अगर कोई इस तरह से आपको हरास करता भी है तो ये आपका तो राइट ये है, ये आपका राइट है, आई एम देयर टू सपोर्ट यू, यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन। अब 25 साल के पहुंचने तक आपके पूरे घर का एनवायरनमेंट ऐसा है कि जिसमें यहाँ बाहर नहीं जाना, आपको ट्यूशन पढ़ने जाना है, आपको भाई छोड़ के आएगा। अच्छा, आपको हम अपनी तरफ से सेफ्टी हमारा कंसर्न है, या हम एक्चुअल में ये समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए, या हमारा सोशल प्रेशर है, या जो भी है, हम उस डर को मजबूत कर रहे हैं, हम उसको एनफोर्स कर रहे हैं, उस डर को एनफोर्स कर रहे हैं। जब मैं ये कहती हूँ कि को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, क्यों? बच्चे और बच्चियाँ इकट्ठे बैठते हैं, सो मसाइल हो जाते हैं। अच्छा, जब वो इकट्ठे बैठेंगे तो वो लड़की महसूस करेगी कि चार लड़कों में बैठना इज नॉर्मल, चार लड़कों में से गुजर के जाना इज नॉर्मल। एकदम तो सारी लड़कियां बाहर नहीं निकल आएंगी सोसाइटी की, एकदम तो नहीं निकल आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता होगा, लेकिन जो जा रही हैं उनको वो प्रॉब्लम कैसे कम होंगे, वो कैसे फील, आप कह रहे थे ना उनकी अपनी फीलिंग क्यों नहीं अच्छे से डेवलप हो पाती, उनकी फीलिंग इसलिए कि उनका एक्सपोजर कम होता है मेल्स के साथ, मेल्स खाने जाते लोगों को, ये बात उनको समझ आने के बाद उनके एहसास तक जाने के लिए जो एक्सपोजर चाहिए, जो एक्सपीरियंसेस चाहिए लाइफ में, वो उनको नहीं हुए होते। और मैं ये समझती हूँ कि जो सबसे एक ही बहुत बातों में बात निकल आई, जो को एजुकेशन है, मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ। वहां आप मेल को भी बता देते हैं कि लड़कियां तो जी कोई खास बात, वो तो तुम्हारा लैदा हो गया, उसका लैदा हो, लड़कियों को भी आप बता दें, लड़कों के बीच में जाके नहीं पढ़ना। वहां से आपने सोशल लेवल, घर में तो आप जो भी करें जैसा भी हो रहा है, आपने एक सोशल एनवायरमेंट में एक बुनियाद वहां पे रख दी का आइडियोलॉजी की कि लड़का और लड़की डिफरेंट रहेंगे और वो आपस में एक दूसरे के साथ उनकी कम्युनिकेशन जितनी कम हो हम उतनी कम करना चाहते हैं। जब कम्युनिकेशन कम होगी और उस कम्युनिकेशन और एक्सपोजर के कम होने के बाद एक जो धड़ा है जिस दौरान कम्युनिकेशन नहीं हो रही, वो मार्केट में भी होगा, वो ऑफिस में भी होगा और हर जगह वो मेजोरिटी में होगा, तो ये जो दूसरा जिसको आपने अलहदा रखा है और उसको डरा के रखा है, वो उनमें जाके कैसे सिक्योर फील करे? मेरे ख्याल में आपने ये भी शायद ऑब्जर्व किया होगा, जो मेल साइकोलॉजी है, यानी ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो मेल्स हैं उनको भी मालूम होता है कि मैं इसको हरास कर सकता हूँ और इसको नहीं कर सकता, वो किसको हरास कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते, वो जिसको समझते हैं ना आगे से टफ टाइम मिलेगा वो उसको नहीं कर सकते और नहीं करना, वो करना चाहें भी तो नहीं करते, रोक लेते हैं ना खुद को, वहां रोक लेते हैं, लेकिन जहां पे उनको लगता है कि इजी टारगेट है तो हाँ वो घबरा जाएगी, तो उसका घबराना भी तो उनको एंजॉय करना है, यही तो हरासमेंट है, यही तो हरासमेंट की साइकोलॉजी है, तो वो जरूर करेंगे, वो और कुछ भी नहीं करेंगे, वो उसके साथ कोई ऐसी हरकत कर देंगे, साथ से गुजर जाएंगे, या जैसे वो गाड़ी की आप बात करते कि एक दफा डर, उसका डरना उनको अम्यूजमेंट देता है, यही हरासमेंट है,
हमारी जो बहुत ज्यादा लेवल मतलब बहुत ज्यादा हरेसमेंट सोसाइटी में, तो यही है कि दूसरे का डर जाना और सहम जाना, उससे प्लेजर लेना, ये हरासमेंट है। तो जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी, जब तक एक्सपोजर नहीं होगा एक दूसरे का, तब तक तो ये खत्म नहीं होने वाला, वो उस फीलिंग लेवल तक तो नहीं बात जाने वाली। जी नहीं, आप हसीन हैं, आपके लिए हो सकता है बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये एक्सपीरियंस किया होगा, आई मीन मेल्स के लिए भी हो सकता है अगर एक देखिए हम फिर उसको जेंडर के उसमें लेते हैं, हरासमेंट को हमने स्पेसिफिक कर दिया। अगर एक शख्स एक रेडी के ऊपर जाता है, ठीक है, और वो उसको टमाटर डाल के देता है, तो उसको पता है कि ये बंदा मेरे से नीचे है, ठीक है, सोशल उसमें पर्सपेक्टिव, वो मेरे से नीचे है, कमजोर है मेरे से, कमजोर कह रहे हैं नीचे, कमजोर है मेरे से, तो मैं इसको दबा सकता हूँ। वो उसको कोई ऐसी बात, देखा तुम मतलब ऐसे ऐसे टमाटर पीछे दबा भी दे दिए, वो बेचारा सहम जाता है, नहीं नहीं सर मैं दोबारा चेक कर देता हूँ, वो उससे अम्यूजमेंट लेते। ये हरेसमेंट है। हरेसमेंट सिर्फ ये नहीं है कि किसी फीमेल को आपने डरा दिया, एक आप अपने से किसी भी कमजोर शख्स को जब ऐसी सिचुएशन में पुट कर देते हैं जहां वो अनकंफर्टेबल फील करे, और उसके अनकंफर्टेबल फील करने से आप अम्यूजमेंट ले रहे, यही हरासमेंट है ना। तो ये आपको बिल्कुल हो सकती है, यानी कोई भी आपके साथ हरासमेंट कर सकता होता है, यस। और फीमेल्स भी करती हैं, फीमेल्स भी हरासमेंट करती हैं, मेल्स भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं, बूढ़े भी करते हैं, सब करते हैं। उसकी बेसिक डेफिनेशन तो यही है ना कि आपने अपने से जिसको कमजोर समझा, आपने उसके लिए ऐसा सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए कि वो अनकंफर्टेबल हो गया, और अब आप उसको ऑब्जर्व करें या अम्यूज हो रहे हैं, या वो आपने एक चीज क्रिएट कर, तो यही हरेसमेंट है। तो बिल्कुल मेरे साथ भी हो सकती है, आपके साथ भी, सबके साथ हो सकती है। अच्छा, अब हम कहां तक पे किसी और को बात करनी है, या हम आगे चलें कैसे पे? जी जी, आपको माइक दे दें। जिस तरह मैंने जी जी आपके पास, हाँ, बच्चा बगल में ढिंडोरा शहर में, जी चराग तले अंधेरा होता है। ये क्यों पे मैंने बात की पहले कि डिपेंड करता है सोसाइटी पर, कि वो बच्चा क्रिश्चियन सोसाइटी में उसकी नर्चरिंग हो रही है या फिर किधर साउथर्न केपी में होती है। जिस तरह आपने भी बात की, यानी कि एक लड़की है पैदा होती है तो उसका नाम मैं रख लेता हूँ सबाउन। अब उससे मैंने पूछा नहीं है कि आपका नाम सबाउन है और आप मुसलमान है। मेरे दूसरे भाई ने बात की कि फिर वो मेरी जो सिस्टर थी वो गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ती रही, मैं प्राइवेट में चला गया। नहीं, वो जो लड़की है वो भी नोबेल लॉरेट बन सकती है, आप सिर्फ उसके स्किल्स को एक सर्टन पाथ लाइन में फ्लो करने की उसको कैपेबल बना दे, अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड करे कि वो भी करके दिखा देती है। और कहाँ तक की बात जो है, एक वोमेन जो है वो रिसोर्सिस, एसेट्स और इनकम को कितना बेनिफिट्स उससे ले सकती हैं, ये होना चाहिए। दूसरा ये, अपनी स्किल्स को जहाँ तक वो यूटिलाइज कर सकती हैं वहाँ तक उनको एम्पावर कर लेना चाहिए। ठीक है, रिसोर्सेज को जहाँ तक यूटिलाइज कर सकती है वहाँ तक कर लेना चाहिए, और एसेट्स और मीन्स या वसाइल जो भी उसको मयसर है उससे उससे फ़ायदा उठाने का पूरा उसको मौका मिलना चाहिए। ये हमने कहाँ को सम अप किया। मैं इसके ऊपर फिर एक नोट ऐड करना चाहती हूँ कि उसकी अपनी पर्सनल स्पेस, उसकी अपनी ज़िंदगी, उसके अपने ज़िंदगी के फैसले, अपनी खुशी के लिए कोई भी ऐसा किया हुआ काम जिससे किसी दूसरे को नुकसान नहीं है, उसको ये सब करने की फ्रीडम होनी चाहिए, और ये एक्सेप्टेड होना चाहिए सोसाइटी में। ये चीज़ मैं कहाँ तक मैं ऐड करती हूँ। चलें, इसे पता नहीं कौन कितने लोग वैसे एग्री करते हैं, मेरी पर्सनल वाली बात से मेरा तो बड़ा ये कंसर्न होता है। दो लोग, तीन लोग, चार, पाँच, छः, वेरी गुड। ये तो आपकी नवाजिश है। ठीक है, कैसे आ जाते हैं हम, अब हम कैसे, यानी यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं जो जिन्होंने ये पर्सनल स्पेस वाली बात को एक्नॉलेज किया, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसे एग्री करते हैं, एंड दे आर इन मेजॉरिटी, एंड दैट्स समथिंग वेरी पॉजिटिव फील फॉर मी। अब हम कैसे पे बात करते हैं, हमने ये सोच लिया कहाँ तक उसको एम्पावरमेंट करना है, एम्पावरमेंट करनी है वेमेन की, कहाँ तक उसे एम्पावर करना है, कैसे करना है और किस किस ने करना है। देखें, उसके पेरेंट्स, वो खुद, जो आपने कहा ना, वो खुद अच्छा फील नहीं करते, उसका अपना कितना किरदार है एम्पावरमेंट में, पेरेंट्स का कितना है, बहन भाइयों का, सिबलिंग्स का, जिस एनवायरनमेंट या कजन्स वगैरह जिस जो उसकी फैमिली है, फिर सोसाइटी, सोसाइटी में जहाँ वो काम करे जिससे इंट्रैक्शन है, फिर वो जिससे इंट्रैक्शन है ही नहीं, यानी एक नोबडी पर्सन, क्या वो भी उसकी एम्पावरमेंट में कहीं आके रोड़ा अटका रहा है, नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है। अब हमने इस पर बात करनी है, तो इस पे अपना कैसे हम कर सकते हैं, इस पे कौन बात करना चाहिए, जो नहीं बात करे वो क्यों नहीं बात करे, यानी आप इतना चल के आए हैं तो सुन तो आप ऑनलाइन भी सकते थे।
आप चल के तो बात करें, यानी जो लोग नहीं बात करें। मैं तो कुछ कुछ बता रही हूँ, मैं ये चाहती हूँ वो भी कुछ कुछ बताए ना। वो चाह रहे हैं कि हम कमेंट करें, आप बात करें। अच्छा, वो कमेंट करें। आपने बीच की बात पकड़ लिया जी। माइक पीछे पहुंचा दी। अब वैसे जहाँ पे आपने पूछा था कि कहाँ तक से कौन कौन इत्तेफाक करता है, तो उसके साथ इत्तेफाक तो बहरहाल मुझे भी है, लेकिन ये मामला मुझे लगता है कि शायद एक बहस तलब मामला है जिसमें जिसको मतलब डिस्कस किया जा सकता है मज़ीद भी ना, और मतलब मैं यही उम्मीद करता हूँ कि उस डिस्कशन से इसके हक में ही नतीजा निकलेगा। जहाँ तक बात है कैसे की, तो आपने मतलब चंद अफराद उसमें गिनवाए हैं कि एक वो शख्स है और एक उस शख्स का जिनके साथ वास्ता पड़ता है। तो एक चीज़ अगर इसके अंदर आप इजाफा कर दें कि मुझे लगता है कि हमारे समाज के अंदर और बिलखसूस आज की इस दुनिया के अंदर और जो कुछ यहाँ पे हो रहा है उसके पीछे महज ये बात मतलब ये तो हो सकता है कि इनफरादी सतह पर कौन क्या चाहता है, लेकिन उसके अंदर किसी भी मुल्क की जो सियासत है और जो मतलब उसके जो माशी पहलू हैं उसका एक बहुत बड़ा किरदार होता है। तो शायद जो और सिर्फ मुल्क का ही नहीं बल्कि अगर इसको बैन अल-अक़वामी सतह पर जाके देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ख़वातीन के जो एम्पावरमेंट का मसला है तो उसको उस निगाह से भी देखना चाहिए कि उसका उस पर क्या क्या असर हो रहा है। ठीक है, तो हमें इसको थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। ये आपने कैसे में कहा, और कोई कैसे के बारे में कुछ बता जी। उसामा नाम ना आपने बताया। तीन से चार चीजें जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा अपनी तरफ से, जो मेरा अपना जो व्यू है। एक तो ये है कि जो हम कहते हैं ना सेल्फ, फैमिली और सोसाइटी, ये तीनों इंटरलिंक्ड आपस में, यानी कि सेपरेट है लेकिन सर्कल विद इन अ सर्कल विद इन अ सर्कल, उस तरह से, क्योंकि तीन चार सेल्स मिलके फैमिली बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज मिलके एक कल्चर एक सोसाइटी बना देते हैं ना। तो सेल्फ पे तो ऑब्वियसली आपको जो हमने पहले बात की थी कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या पावर है, आप अपने डिसीजन खुद से ले सकें, आपको इतनी मेच्योरिटी हो कि आपको पता हो क्या ये राइट है ये रॉन्ग है, ये सेफ, इतनी मेच्योरिटी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। Yes. दूसरा फिर फैमिली में आ जाता है कि आपके इर्द गिर्द के लोगों को पता हो कि आपकी बाउंड्रीज हैं, आप उनको वायलेट नहीं करना सही है अपनी, अपनी इस बात को दोबारा कहें जरा, इर्द गिर्द के लोगों को पता होना चाहिए, इर्द गिर्द के आपकी फैमिली को, आपके दोस्तों को, आपके क्लास फेलोज को, टीचर्स को, आप जहाँ काम कर रहे हैं उन सब लोगों को जिनसे आपका इंटरेक्शन होता है, जो आपका सेकेंड सर्कल आ जाता है। थर्ड सर्कल जो है उनको ये पता होना चाहिए कि इसकी पर्सनल स्पेस है, कहाँ हमें नहीं घुसना, कहाँ हमें इसको नहीं तंग करना, ये बात इर्द गिर्द वालों को पता होना चाहिए। और ये एक फीमेल के इर्द गिर्द वालों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और एक मेल के इर्द गिर्द वालों को भी पता होनी चाहिए। ये हर इंसान के इर्द गिर्द वालों को पता होना चाहिए कि पर्सनल स्पेस का राइट हर इंसान का है, वो सिर्फ फीमेल्स का नहीं। हम फीमेल्स पे एम्फसाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फीमेल्स के बारे में ये वायलेशन होती बहुत ज्यादा है ऑन ग्राउंड, तो हम इसको स्पेसिफिकली कह रहे हैं। अदरवाइज दिस इज द राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बींग, इवन दिस इज राइट ऑफ द चाइल्ड। एक बच्चे की भी एक पर्सनल स्पेस है जिसको हम कुछ भी नहीं समझते, उसके बीच में भी हमें नहीं घुसना, इवन बीइंग पेरेंट्स, ये चीज़ वो। तो ये आपने बहुत अभी तक शायद सबसे हसीन बात आपने ये की है जो अभी तक जितनी बात हुई है जी। आप कंटिन्यू करें। एक तो जो है पेट्रियार्की के जो रूल्स हैं वो ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी में मर्दों ने बनाए हुए हैं एक तरह से, लेकिन मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, बाकी लोग इसे डिफर कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो मैं समझता हूँ कि उसको अपहोल्ड ख्वातीन करती हैं इन जनरल, मैं ये नहीं बात कर रहा इस्लामाबाद की या कराची या लाहौर और देहातों में विलेजेस में और जगह सारी जगह ओवरऑल अगर कंट्री में देखा जाए, क्योंकि माँ बेटी को सिखाती है कि अच्छा तुम 8 साल की होगी अब तुमने घर से बाहर नहीं खेलना, इतने साल की होगी अच्छा आप कपड़े चेंज करना, कहती है क्योंकि वो इनग्रेन्ड उसके अंदर चीज होगी ना, उसकी माँ ने उसको ये सब बाहर जाएगी तो क्या होगा, बाहर तो मिल जाए, अंदर तो औरतें तो सारी अंदर हैं, उसका ये लर्न्ड बिहेवियर है ना, सोसाइटी से लर्न किया है। तो अभी जैसे नौशाबा भी कह रही थी कि हमें सेफ्टी को देखना है, तो ये उसका एक लर्न्ड बिहेवियर है कि 6-8 साल की होगी तुम्हारा भाई बाहर जाएगा इसको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन तुम बाहर जाओगे तो ये होगा, तो उसने सोसाइटी में यही सीखा है तो वो कहेगी कि हाँ ऐसे। अगर वो भी इन्फोर्स करे तो उसके पीछे अगेन मेल्स ही हैं, उसकी सोच के पीछे भी मेल्स ही हैं।
आप डालें मेरे पे, मैं डालती हूँ मेरे पे, चलें चलें। वही मैं बात कर रहा हूँ। और वो माँ ही होती है कि जो अपने बेटे को भी ये चीज सिखा देती है ना एक तरह से, कि अब जिस तरह आई एम अ साइकोलॉजिस्ट ना, तो मैं ये चीज देखता हूँ स्पेशली हमारे पास जो नार्सिसिस्टिक क्लाइंट्स विद नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज आते हैं, तो उनमें ये चीज होती है कि उनके जब हम पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा उसको बिगाड़ा उसकी माँ ने होता है। ठीक है, तो अब होता ये एक चीज होती है प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन। उसमें ये होता है कि छोटा बच्चा है, एक लड़का है 2-3-4 साल का ना, माँ उसको उस टाइम से कहना शुरू कर देगी जी तुम तो शेर हो, तुम तो पावरफुल हो, तुम तो ये हो। सही है, अब देखें हर बंदे में थोड़ी वीकनेसेस होती है, मेरे में भी है, 4-5 बंदे मिलके मेरी फैंटी ले जाए मैं कुछ नहीं कर सकता ना। लेकिन वो उसको ईगो इतनी ज्यादा बढ़ा दी जाती है, उसका सेंस ऑफ सेल्फ इतना इन्फ्लेट कर दिया जाता है, वो कहता है कि आई एम ऑल पावरफुल, नार्सिसिस्ट बना दिया जाता है ना। तो ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा ये इशू है। वही बंदा फिर जो है ना, जब रेडी वाले के पास जाता है वो कहता है आई एम पावरफुल देन हिम, जो अपने वाइफ के पास जाता है कहता है आई एम पावरफुल देन हर, तो वो फिर अपनी जो है ना प्रोजेक्शन दूसरे पर डाल रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे से ज्यादा पावरफुल हूँ, तुम वीक हो तो मेरी तुम मानो। तो हमने अगर सोसाइटी में देखना ना, सबसे बड़ा सर्कल है उसमें हमें ये है कि सबसे पहले तो हमें लोगों की परसेप्शन चेंज करनी है, स्पेशली जो माएं हैं उनकी परसेप्शन चेंज करनी है कि आपने अपने बेटी को किस तरह सिखाना है और बेटे को किस तरह सिखाना है। माओं को इसमें कन्विंस करना बहुत मुश्किल टास्क है, हम फादर्स को फिर भी कर सकते हैं ये बात। मैं फादर्स को ये कि जो फादर है उसकी अपनी मदर है, उसने उसको सिखाया वो तो वही सीखे। नो, वो बाहर जाता है और वो देखता है कि इसके साथ ये हो सकता है, इसके साथ यहाँ यहाँ मार्जिन हो सकता है, अगर ये ऐसे करे तो ऐसे नहीं होगा। यानी अगर ये मेरी ऑब्जर्वेशन, मैं बाहर जाती हूँ कि वो किसको हरास करेंगे किसको नहीं करेंगे, तो एक फादर इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है ना बाहर जा रहा है। ज्यादातर मेल्स बाहर जाते हैं, खवातीन कम बाहर जाती हैं। तो खवातीन का तो ये कि कोई भी बाहर जाएगा तो उसको हरास किया जाएगा, फादर को पता है अगर ये इस तरह जाएगी तो। मेरे फादर मुझे कहते होते थे कभी भी शॉर्टकट मार के उस रोड से मत जाना जहां पे तुमको कि ये शॉर्ट है, उससे जाना जहां रश ज्यादा होता है। ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी, ये मुझे सिखाते थे, जहां रश ज्यादा होता है वहां पे तुम पावरफुल हो, यहां रश कम है वहां पे तुम पावरफुल नहीं। ये बात मेरे फादर ने सिखाई, मेरी माँ शायद नहीं सिखा सकती। अगर वो कम बाहर जाती हैं तो उनको नहीं पता ये जो ग्राउंड रियलिटीज हैं और ग्राउंड फैक्ट्स, जहां से कहां से मार्जिन निकालना अपनी बेटी के लिए, ये एक फादर बहुत अच्छे से शायद समझ सकता है, समझना चाहे तो। लेकिन एक माँ के लिए शायद समझना मुश्किल, वो जब बाहर जाएगी बेटी तो वो सोचती रहेगी कि कुछ हो नहीं जाए, कुछ हो नहीं जाए। और फिर बाप ने खुद सोसाइटी में निकल के एक पावरफुल रोल प्ले किया होता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी एस्पेक्ट से, तो वो समझ सकता है कि किस तरह से वो पावर गेन की जाती है। आपको डर का सामना करना पड़ेगा, आपको हरेसमेंट को फेस करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें शायद एक फादर बेहतर तरीके से समझ सकता है। क्यों? क्योंकि उसका ब्रॉटअप ऐसा और उसको एनवायरनमेंट ऐसा मिला है, और फीमेल्स को ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता, इसलिए उनके लिए इस अंडरस्टैंडिंग और इस अंडरस्टैंडिंग को पहले डेवलप करना और फिर उसके बाद उसके ऊपर सुकून करना, उसको अपने एहसास के लेवल तक लेके जाना, ये मुश्किल है फीमेल्स के लिए। तो माओं के लिए ये बात मुश्किल है कि वो इस चीज़ को, डर की साइकोलॉजी को वहीं पर स्टॉप करें, या अना वाली जो साइकोलॉजी है उसको वहाँ पर स्टॉप करें, या उसको बैलेंस करें, कॉन्फिडेंस और अना में जो नार्सिसिज्म है उसके बीच में फर्क करना शुरू करें और प्रैक्टिकली उस पर फर्क करना शुरू करें। उसके पीछे एक और फाइनेंशियल एलिमेंट एक और भी है। माएँ ये समझती हैं कि ये बेटा कमाएगा और कल को बुढ़ापे का मेरा सहारा होगा। बाप भी समझते हैं, माएँ ज़्यादा उनको अपने, फिर दूसरे जो अब्यूज़ उन्होंने अपने घर में देखी होती है हस्बैंड से या इन लॉज से, वो ये समझती हैं कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो आई विल बी इन द पावरफुल पोजिशन, मैं एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे जाऊं, उसको वो साइड भी ईज करनी होती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एक मदर को शायद प्रैक्टिकली वहां पे ले जाने के दरमियान में आती हैं, कि जहां पे वो अपनी बेटी को डर ना बेचे, डर उसमें इंजेक्ट ना करे, और अपने बेटे में नार्सिसिज्म इंजेक्ट ना करे कि आप ही तो दुनिया की एक वाहिद चीज है, आप ही तो दुनिया के, आप ही के लिए तो दुनिया बनी है, आप ही के तो भाभी ला के देगी बेटे को, बेटी ला के देगी, पानी ला के देगी, सारे उसको, वो उसको सब सर्व करेंगे। तो उसकी एक मेंटेलिटी डेवलप होगी कि दुनिया में मैं ये बादशाह बैठा हूँ तो सब मेरे लिए ये करें। अब ये औरत बाहर रहने की तो मैं डिसाइड करूंगा इसके साथ क्या होना चाहिए, मैं डिसाइड, तो उसकी वो मैं को और उसके एक हकमियत का और एक उस चीज़ का प्रोटोकॉल जो उसका होता है वो उसके दिमाग में फिक्स कर दिया जाता है। ये हमारा नॉर्मल ब्रॉटअप ऐसा है घरों में। आपका बेटा झाड़ू क्यों नहीं देगा और बेटी क्यों झाड़ू देगी? झाड़ू देना एक, ये भी एक वो है, हालांकि तो एक काम है, मैं तो इसको कोई इतना वो नहीं समझती, लेकिन झाड़ू देना हमारे यहाँ कोई तसलील वाली बात समझी जाती है, उसका एक है वो सोसाइटी में एक मुकाम है इस काम का बहुत नीचे। तो बेटा नहीं झाड़ू देगा और बेटी देगी क्यों? मैंने देखा इतनी एम्पावर्ड खातून होती है, ठीक ठाक होती है, और जब उसका मियाँ का झाड़ू, नहीं 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 झाड़ू मैं दे दूंगा, आप एक बर्तन धो दें, यानी उसको झाड़ू देना फिर उसकी तसल्ली लग जाती है, तो बर्तन बेशक।
भाई बर्तन धो रहे हो तो आप झाड़ू दे देते तो फिर क्या फर्क पड़े, ये भी एक काम है हमारा। हमारे घर के अंदर एक फीमेल के लिए कुछ काम एक मेल से करवाना या उसे कहना, करवाना क्या मतलब दोनों ने करना, उसके करने को सहना साइकोलॉजिकली बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि उसे साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट किया हुआ है कि ये तो छोटा काम है, तो हमने करने के हम नीचे हैं, हम छोटे हैं, ये नहीं करेंगे। अगर कोई काम छोटा है तो दोनों क्यों नहीं करें? काम ऐसे छोटा बड़ा नहीं होता, ये तो मेरा पर्सनल ये पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अगर आपने कोई काम छोटा और कोई बड़ा रखा हुआ है तो एक सिर्फ वो काम करेगी और दूसरी सिर्फ वो काम नहीं करेगी, ये क्यों है? तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें, पहले तो आइडियोलॉजिकली इनको करेक्ट करना ये एक बहुत बड़ा टास्क है, और एक माँ से करेक्ट करवाना या एक बीवी से करेक्ट करवाना ये आइडियोलॉजिकली मेंटली ये एक बहुत शायद बड़ा काम है जो हमें करना है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। फिर उसको सही समझ लेना, यानी अगर मैं ये समझती हूँ कि अगर मेरा बेटा झाड़ू दे देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा मियाँ झाड़ू दे, मेरा फादर झाड़ू दे देगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मेरी माँ दे रही है तो मैं बच्ची हूँ घर में, तो वो बच्चियां भी ये समझती हैं, उन्होंने भी ये देखा होता है कि बाप का झाड़ू देना तो बहुत आउट बात है, माँ तो रोज झाड़ू देती है, वो देखती है। तो ये सारी चीजों का एक जो फिक्री लेवल पे इनकी करेक्टनेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसको प्रैक्टिकल उस पर लेके आना। मैं समझती हूँ कि आप फर्क कोई नहीं पड़ता बेटा कर दे या बेटी कर दे, लेकिन फिर भी मेरे घर में बेटा भी झाड़ू देता है और बेटी भी देती है, अगर लेट सपोज वैसे मेरी बेटी है नहीं, वो बेटी भी देती है और बेटा भी देता है, और मेरे समझें कि मेरे भाई की फैमिली विजिट पे आई भी है, अब मुझे पता है मेरी भाभी तो बहुत जो है ना वो फिर बातें करेगी बाद में, या मेरे ससुराल से गया मैं कहूँगी अच्छा लोगों के सामने मत दिया करो, उधर बहन देगी। उसको प्रैक्टिकल लेवल पे अपने, मैं उस चीज़ को सही समझती हूँ, मैं उसको गलत नहीं समझती, लेकिन मैं वो प्रेशर नहीं ले सकती तो वो मैं नहीं उसको करी। तो उसको प्रैक्टिकल लेवल पे लेके आना, पहले तो उसको फिक्री सतह पे उसको कबूल करना, उसको एक्सेप्ट करना, उसको रियलाइज करना, उसको मानना, उसको समझना, उसके बाद अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल लेवल पे बगैर किसी शर्म महसूस किए लेके आना, ये एक बहुत बड़ा मरहला है जहां से गुजरे बगैर हम ये कैसे, हम नहीं कर सकते ये काम, फिर अदरवाइज नहीं हो सकता। जी मुझे याद है आज से 30 साल पीछे चले जाए तो कोई बंदा अगर कहता मैं हेलो अस्सलाम वालेकुम कौन बात क्या कर रहे हो मैं तो जी बर्तन धो रहा हूँ तो ये बहुत बड़ी बात थी। किसी मेल को फोन करे तो आगे से या पूछे पापा क्या कर रहे हैं, कॉल आई है फूफो की कॉल आई है तो पापा क्या करे पापा बर्तन धो रहे हैं, बड़ी ऑड बात आज भी है लेकिन उतनी ऑड नहीं रही क्योंकि अब पापा बर्तन धोते हैं, बहुत से पापा बर्तन धोते हैं और उनकी अपनी बच्चों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही, इट्स नॉर्मलाइज। ये आहिस्ता आहिस्ता जब एक काम होने लगता है तो उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है उसके ऊपर, जो हमारे एकदम से रिस्पॉन्स हो ये क्या हो गया वो काम होता जाता है, डाउन होता जाता है, तो वो जब पहले पहले वो काम कर रहे होते हैं उसको दुरुस्त समझते हैं और उसको कर जाते हैं ये सोचे बगैर कि लोग क्या कहेंगे, वो लोग होते हैं जो वो चेंज ला रहे होते हैं, वो ऑन प्रैक्टिस वही चीज, इन प्रैक्टिस वही लोग होते हैं जो कैसे को एड्रेस कर रहे होते हैं। जी और किसी को कुछ कहना है? जी मैम ये आपने लास्ट डिस्कशन हुई है वहाँ तक तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं शेयर किया था, कहाँ तक और कैसे, मेरे ख्याल में ये इंटरलिंक्ड है। कहाँ तक की आप बात करती हैं तो या इन जनरल जब आप ये कहते हैं कि कहाँ तक तो वो आप ये नहीं कह सकते कि आप पूरे मशरे को एक जैसा लेंगे मेरे ख्याल में, क्योंकि आप जब सूबाई लेवल पे इलाकाई लेवल पे ख़ानदान के लेवल पे देखेंगे तो हर जो खातून है उसके डिफरेंट मसाइल हैं। आप एक शहर की ज़िंदगी में रहने वाली ख़वातीन को देखेंगी या आप देखेंगी कि गांव में जो ज़िंदगी गुजार रही हैं तो डिफरेंट होगी। मेरा ज़िंदगी का एक बहुत हिस्सा जो है एक देहात में गुजरा है, तो आपने कहा कि औरत जो है नॉर्मल अगर सिगरेट पी रही हो तो उसे मायूब समझा जाता है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी ख़वातीन और उनकी सोहबत में बैठा हूँ जो एक भरे मजमे में हुक्का पिया, हाँ जी, और वही लिबास पहना करती थी जो हमारे बुज़ुर्ग पहना करते थे, आज़ाद भी थी बिना किसी रोक टोक के वो मुख्तलिफ जगहों पर आती जाती थी, काम भी करती हैं जो एक मर्द करता है और उन्हें वो हकूक भी हासिल हैं। बात
अगर आप कर रही हैं कि घरेलू काम जो हैं या हम देखते हैं कि उनका माशरे में रोल क्या है, तो वो डिफरेंट हो जाता है। अगर आप एक उस खातून को देखेंगे जो देहात में काम कर रही है या अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, तो उसके मसाइल और तरह के होंगे। एक ऐसा ख़ानदान जो थोड़ा अकायद के लिहाज से थोड़ा सख्त है, तो उसके मसाइल और होंगे। कैसे और कहाँ ये इंटर लिखना है आपको? सबसे पहले अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, तो मेरे ख्याल में उसे एक एज अ जेंडर आप जब सिन्फ में स्पेसिफाई कर देते हैं, जैसे 1970 में जब तहरीक चली, तो सिन्फ का लफ्ज़ जब यूज़ हुआ या जेंडर का लफ्ज़ यूज़ हुआ, तो जो ख़वातीन मुर्रख थी उनको भी बड़े मसाइल आए। तो फिर उन्होंने डिफाइन किया लफ्ज़ को या इस्तेमाल किया सेक्स को एज अ ह्यूमन। तो हम देखते हैं कि अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो आपको सबसे पहले इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि औरत की तालीम क्या हो, उसमें उसका सियासत में क्या किरदार हो, उसका माशरे में क्या किरदार हो। जब अल्टीमेटली आप एक मजमूई तौर पे इन चीज़ों पे काम करेंगे, तो ये जो सेकेंडरी हमारे मसाइल हैं कि जैसे हम काम करते हैं कि इक्वल काम करना चाहिए, तो मैं ये बेशतर जगहों पे देखा है कि जहाँ मर्द हजरात हाथ बटा रहे होते हैं औरतों का, ऐसा नहीं है कि हर जगह पे बिल्कुल मर्द नहीं करते। अब माशरा तब्दील हो रहा है, जैसे जैसे सोशल मीडिया का दौर है, लोग बैठते हैं, डिस्कशंस होती हैं, औरतें अपने हकूक के लिए भी बात कर रही हैं। तो हमें ये डिसाइड करना है सबसे पहले कि जिस तरह आप कह रही हैं कि कहाँ तक, और फिर डिसाइड करना है कि कैसे कैसे। मेरे हिसाब से जैसे आपके निसाब में ये चीज़ होनी चाहिए कि आप मजमूई तौर पे, ना कि सिर्फ औरत को, मर्द को भी ये सिखाएं कि औरत के हकूक, हम हकूक की बात तो करते हैं, कुव्वत मेरे ख्याल में ख्याल से ज़्यादा कुव्वत अमल को होना ज़्यादा चाहिए कि आप मजमूई तौर पे माशरे में निसाब वो लेके आएँ। मुझे एक जर्मन ख़वातीन का कॉल याद आ रहा है, वो कहती हैं कि मेरी तारीख की किताब में झूठे बोलती हैं, वो कहती हैं कि मेरा वजूद नहीं था। तो बेसिकली हमें जो सिखाया ये जाता है कि हमें कहीं भी नज़र नहीं आता कि औरत का वजूद क्या था। आप बेशतर देखेंगे कि फ़लसफ़ी कोई सुकरात की बात कर रहा होगा, लेकिन किसी को आप ख़वातीन फ़लसफ़ी की बात करते हुए नहीं देखेंगे। ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम औरत को या उसकी तारीख को, क्योंकि हमें मुश्किल पेश आती है। एक दौर था कि हीर पहले आती थी, रांझाबाद में आता था, लेकिन वो वक्त, वो हमें देखना होगा कि अमांबिल क्या थे, कि पहले मिर्ज़ा आया और फिर साहिब आई। तो मेरे ख्याल में उस पर अगर बेसिक काम किया जाए, तो बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं, या ये डिसाइड कर सकते हैं कि इन मसाइल को हमने कैसे हल करना है। ठीक है, सम अप कौन करेगा कैसे को? मेरे से पहले जी, इनके बाद आपकी, तो बाद में लाजमी सुनूंगी, आप पहले बोले नहीं। ओके जी, कैसे के हवाले से हमने एक इग्नोर किया और रियासत का किरदार, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट में हम तो कर लेते हैं, हम मसाल को खुद कत्ल कर लेते हैं कि भाई आपने गलत किया है, रियासत से पूछे बगैर। हम श्रीलंका का कोई आता है एम्प्लॉय, हम उसको भी कत्ल कर लेते हैं और खुद को कहते हैं कि हमें जन्नत का टिकट मिला, वो डिसीजन हमने खुद ली होती है। एम्पावरमेंट कैसे करनी है? इक्वल अपॉर्चुनिटी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये रियासत कर सकती है, एक कॉमनर नहीं कर सकता। वुमेन को ऐसे स्किल सिखाया जाए टू फेंड के आगे आगे वो फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करती है, जो एक ही मैं समझता हूँ कि स्पाइनल कार्ड है इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। तो उनको ऐसे स्किल सिखाया जाए कि वो आगे जाके टू फेंड देमसेल्फ फॉर इन केस शी फेसेस फाइनेंशियल इश्यूज। और ये चीज़ें तब पॉसिबल है जो मैडम ने कहा कि अगर हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, बस। ठीक है जी। अच्छा मैम, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि कैसे मैं सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या कॉलेजेस के अंदर सोसाइटीज़ को डेवलप किया जाए, वो नहीं है जिस वजह से वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन लर्न नहीं कर पाती, वो आगे ना कोई एक्सपोजर हो पाता है उससे, ना बॉयज़ का ना गर्ल्स का आपस में, तो इस वजह से उनको फिर आगे फिर ज़िंदगी में बड़े मसाइल आते हैं, नंबर वन ये। और नंबर सेकंड ये कि गवर्नमेंट लेवल पे भी कोई पॉलिसीज होनी चाहिए, लेट्स सपोज इनोवेशन अब बनने चाहिए, जहाँ पर अभी फ्रीलांसिंग का टाइम है इस टाइम पे, तो वहाँ पर उनको स्किल्स सिखाई जाएं, उनको मौके दिए जाएं, वहाँ पर वो एंटरप्रेन्योरशिप करें। जब तक आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होएगी, तब तक वुमेन एम्पावरमेंट नहीं उस तरह नहीं हो सकती। yes.
और तीसरा पॉइंट जो है वो है कि मैं ज़्यादा गवर्नमेंट में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि सारी यानी कि आपस की जो घरेलू बातें हैं वो हो चुकी हैं। तीसरी क्या है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस वो होने चाहिए। वो इससे ये होता है कि आपकी जो देहात, ये जो यूनिवर्सिटीज सोसाइटीज़ की बात की है, इससे सिर्फ शहरी लोग आते हैं, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होते हैं उससे जो देहात के लोग होते हैं वो भी ऊपर आते हैं। जिस तरह अभी सिंध में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में वहाँ पर दो वो किसान औरतें थी, फीमेल्स थी, वो जीत के ऊपर आई हैं। तो इस वजह से फिर और भी फीमेल्स के अंदर ये चीज आती है कि हमें भी ऊपर आना चाहिए। वो सिंबलाइज हो जाता है ना सोसाइटी में, कि एमएनए बन सकते हैं आप, एमपीए बन सकते हैं आप, हेड ऑफ द स्टेट बन सकते हैं। वो एग्जांपल है लोकल लेवल पे, वो एज अ काउंसलर हैं एज अ जी बल्दियाती जो इंतखाबात हमारे पे हर एक जगह पे वो एक एक सिंबल बन जाता है। एक चीज जो हमने एक नॉर्म बनाया होता है उसमें क्रैक पड़ जाता है एक पहली एग्जाम्पल के साथ, और फिर जब ये ज्यादा होने लगता है तो वो फिर नॉर्म खत्म हो जाता है जो उसके अगेंस्ट था, फिर उसमें वो चीज नॉर्म बन जाती है जो उसको आके रिप्लेस करती है। जी अच्छा, सब लोगों ने सोसाइटल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे इस पे बात की। मेरा ये ख्याल है कि हमें इंडिविजुअल लेवल पे जो ऐसे ख्यालात या ऐसी सोच जहाँ पे एम्पावर्ड वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लिमिटेशंस या कदगने लगाई जाएं, उसको अनलर्न करना है हमें, एंड वी नीड टू रीलर्न या अपने आप को हमें उस वक्त के लिए तैयार करना है या एक्सेप्टेंस अपने अंदर लेके जानी है कि एक औरत जो एम्पावरमेंट वो चाहती है, जिस भी आपने डिफरेंट आइडेंटिफाई किए कि अपनी ज़ात के लिए, अपनी फाइनेंशियली, फैमिली के लिए, वो जिस जिस एरिया में जिस तरह की एम्पावरमेंट चाहती है और जिससे किसी और को नुकसान नहीं हो रहा, उस एम्पावरमेंट की एक्सेप्टेंस हमें खुद अपने अंदर लेके आनी है। एज एन रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक्सेप्टेंस से भी आगे आपको फिर उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, सो ऑन एन इंडिविजुअल लेवल आपकी थोड़ी बात ऐड करना चाहूँगा। देखें, और ये कह रही है बहुत जल्दी ये चीज़ें नहीं हो सकती, हमें एक जिस तरह डेमोक्रेसी एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, इसी तरह ये सोशल इश्यूज होते हैं, ये इवॉल्विंग इश्यूज होते हैं। आपको ये होना चाहिए कि आपने ऊपर जाना है आहिस्ता आहिस्ता, या जल्दी जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको ऊपर जाना चाहिए। जो जल्दी भी है, हमें कोई नहीं है। मैं अगर ये समझूं अनलर्न बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा देखिए, लेकिन हम सोसाइटी के अंदर इस तरह हैं यानी कि जुड़ी हुई हैं कि नहीं हो सकता इतने मेरी ये जल्दी नहीं हो सकता जल्दी, लेकिन हम ये उम्मीद तो रखते हैं कि हो सकता है, तो यहाँ बैठ के बात करेंगे ना। एग्जैक्टली। अच्छा एक चीज और भी है, अब देखिए यहाँ पे अगर 20-30 लोग बैठे हैं तो ये 20-30 लोगों का फिक्री मसला है तो यहाँ आके बैठ के इस पे बात कर रहे हैं, और ये 20-30 लोग इस पे आके बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि माशरे में एक पॉजिटिव चेंज आए। अगर ये 20-30 लोग हम यहाँ से निकाल दें सोसाइटी से और ये भी समझें कि कौन सा हमारी ज़िंदगी में आनी है, तो फिर वो किसी की ज़िंदगी में भी नहीं आए। मुझे मालूम है कि आज मैं बात करूँगी तो कुछ डिफरेंस मैं क्रिएट कर सकती हूँ किसी 2-4 लोगों की माइंड में, अगर ये चेंज, हाँ ये बात तो सही है, वो कन्विंस हो जाते हैं या वो उनकी सोच एक डायरेक्शन ले लेती है तो, और उनकी इवॉल्व हो जाती है उनकी सोच, तो इट्स लाइक मेकिंग अ डिफरेंस इन द सोसाइटी। ऐसा कोई कभी भी नहीं होता। हम असल में आइडियलिज्म पे बहुत ज्यादा हमारा, हम बाय डिफॉल्ट हमारा दिमाग आइडियलिज्म, एक बंदा आएगा वो सबको यूं झड़ी घुमाएगा सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। ना ये पॉलिटिकल सिनेरियो में ऐसा होता, ना सोशल सिनेरियो में ऐसा होता है। इट टेक्स जनरेशंस टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज एंड इवन द डिस्ट्रक्शन आल्सो। डिस्ट्रक्शन थोड़ी जल्दी आ जाती है। अभी देखें ये जो रिलीजियोसिटी आई है, ये भी तो आपकी 2 जनरेशन लगी और अब देखें हम कहाँ पहुंच गए, 2 जनरेशन पीछे हम कहाँ पे थे। तो इसको सुधार लाने के लिए आपको, मैं अगर आज बात कर रही हूँ तो मैं बिल्कुल ये नहीं समझती कि यहाँ से बाहर जाऊंगी और सब मेरी रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे, नहीं करेंगे मुझे मालूम है। लेकिन 2, 4, 6, 8, 10 लोग जहां जहां जाएंगे, किसी एक फीमेल की रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी पर्सनल स्पेस को अंडरस्टैंड करेंगे, कुछ डिफरेंस क्रिएट करेंगे, और उनसे आगे 2, 4, 6 लोग वो अपने बच्चों को ये सिखा पाएंगे या इसमें से कुछ सिखा पाएंगे, सब कुछ भी नहीं तो कुछ सिखा पाएंगे। तो रिफाइनमेंट होते 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 4-6 जनरेशन के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ बेहतरी आ जाएगी या एम्पावरमेंट को पॉजिटिवली लिया जाएगा, उसको अंडरस्टैंड किया जाएगा, उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी, इंडिविजुअल्स को इंसान समझा जाएगा। अच्छा मैं इसको अब सम अप करती हूँ, हमारा टाइम 10 मिनट ओवर हो चुके हैं, 2-3 मिनट में और लेना चाहती हूँ
कैसे मैं जो समझती हूँ कि सबसे पहले हम औरत को, खातून को, वेमेन को एक डिफरेंट एंटिटी नहीं समझे, द पार्ट ऑफ द सोसाइटी द वे द मेन आर। जैसे एक मेल सोसाइटी का पार्ट है, वैसे ही एक फीमेल सोसाइटी का पार्ट है। लेट्स टेक ह्यूमन बींग्स एज इंडिविजुअल्स ऑफ सोसाइटी रादर देन मेल और फीमेल। वो जो इन्होंने बात की कि कैसे मैं सबसे पहले अपने बेटे और बेटी की एक जैसी तरबियत करें, अगर मुझे लगता है कि यहाँ थड़े पे बैठ के सीटियाँ मारना मेरे बेटे के लिए फाइन है, तो फिर मैं बेटी को भी एक थड़े पे बैठ के सीटियाँ मारने की इजाज़त दे। और अगर मुझे लगता है कि ये कोई गलत बात है, नहीं नहीं ये तो सोसाइटी में तो ये बड़ा काम खराब हो रहा है, तो मैं बेटे को भी अंदर बुला लूँ कि आप भी यहाँ बैठ के थड़े पे बैठ के सीटी नहीं मार सकते। द थिंग इज कि आप उसकी एक जैसी अपब्रिंगिंग करें। सिर्फ ये नहीं है कि हम फीमेल को एम्पावर कर देंगे तो वो जाके बाहर लड़ाइयाँ अच्छी कर लेंगी। हम अपने बेटे को भी क्यों ये नहीं बताते कि आप और ये एक जैसे ह्यूमन बींग है, और ये बताना क्यों पड़ता है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके होते हैं कि आप एक जैसे नहीं है। अदरवाइज आपने कभी किसी मॉन्टेसरी में जाएं, हालांकि तब तक मॉन्टेसरी 3-4 साल तक भी हम बहुत कुछ उनको सिखा चुके होते हैं, आप वो देखें उसमें बच्चे और बच्चियां जब इकट्ठे बैठे होते हैं तो उनमें से कभी किसी को ओहो हो ये मुझे देख लिया, ओहो हो ये ऐसे होगा, उनमें ये फीलिंग बहुत कम होती है। हम डेवेलप करते हैं तो हम उनको उस तरह से अपब्रिंगिंग, उनको हम उनको वो गलत चीजें सिखाना स्टॉप करें। सबसे पहले उनकी अपब्रिंगिंग ऐसे करें जैसे बोथ आर इंडिविजुअल, वो दोनों इंसान हैं। उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात, जो स्कूल जहाँ पे वो अपनी पूरे दिन का 24 घंटों के जो 6-7 घंटे पोटेंशियल टाइम होता है, जो जहाँ पे उसकी लर्निंग मैक्सिमाइज्ड होती है, वो फ्रेश होता है, वो टाइम वो स्कूल में गुजार के आता है बच्चा। और वहां पे ही अगर आप मेल और फीमेल को अलहदा कर देते हैं, बच्चों और बच्चियों के स्कूल अलहदा कर देते हैं, तो को एजुकेशन इस कैसे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हम वहां से सोसाइटी के लेवल पे सिखा रहे हैं कि ये कोई दो डिफरेंट मखलूकें हैं, इनके डिफरेंट किरदार हैं, इसके इसका और होना चाहिए, जिंदगी इसकी और होनी चाहिए, इसके लिए दुनिया और होनी चाहिए, इसके लिए दुनिया और होनी चाहिए। एंड देन कैसे में मैं बस यही दो बातें। तीसरी बात जो मैं समझती हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, अगर हमें कहीं पे कोई खातून हमारी एम्पावरमेंट के लिमिट से आगे नजर आए तो वहां पे अफजल नहीं बनना। यानी वहां पे आपको ये नहीं सोचना कि ये तो फलानी होगी तो फलानी, वो जो आपके 50-60 वर्ड्स की वोकैबुलरी है उसको नहीं अप्लाई करना, हमारी सोच से आगे चले फाइन। अब आप ये देखें कि अगर मैं एक टीचर हूं और एक प्रिंसिपल के बारे में मैं ये सोचूं ये तो ऐसे है ये तो वैसे है, मेरे से आगे निकल गया, उससे भी कोई आगे निकल गया, हम सोसाइटी में हम तो टॉप पे नहीं होते ना, हमसे आगे फाइनेंशियली, हमसे आगे सोशली, हमसे आगे कॉग्निटिवली लोग हमसे आगे और हमसे पीछे होते हैं, हम के मिड ऑफ द सोसाइटी होते हैं, बीच में होते हैं। तो अगर हम ये समझते हैं कि कोई हमसे ज्यादा हमारे लिमिट से बाहर निकल के एम्पावर हो गया है, ये समझे वो खराब ही हो गया, तो हमें ये राइट नहीं है कि हम उसको जज करें और हम जाके उसकी पर्सनल स्पेस में घुस के उसको बताएं कि तुम सोसाइटी खराब कर रहे हो। मेरे ख्याल में ये हरकत करके हम सोसाइटी खराब कर रहे हैं, हम उसका एक एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। अच्छा, इस कैसे में यही तीन बातें जो मुझे इस वक्त जहन में आ रही हैं और यहाँ पे इसको सम अप करते हैं। नैयर, आपने हमें कोई ऑनलाइन जवाब, कोई क्वेश्चन नहीं दिया, बेचारे हमारे जो ऑनलाइन देखने वाले हैं अब तक तो वो सूख चुके होंगे, इंतजार में सो चुके होंगे। सच क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन जो रिमार्क्स हैं वो ज़ाहिर है किसी गुफ्तगू से वो कशीद हुए हैं, तो मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। उस्मान राना कह रहे हैं कि जब सोसाइटी के तमाम मर्द एजुकेटेड होंगे तो उस दिन सोसाइटी की ख्वातीन के लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। एक मिनट, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ। पिछले दिनों हमारी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर, एजुकेटेड ही होंगे, प्रोफेसर बन गए, PhD करके आए होंगे, वो मुझे क्लास के बीच में कह रहे हैं मैडम अगर आप दुपट्टा सर पर ले लिया करें तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आप किस एजुकेशन की बात करें, इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन। आपको एजुकेटेड लोग भी वो मिलेंगे जो आपको हैरान कर देंगे और आप सोचेंगे कि ये कहां से ये पढ़ के आया बंदा, यानी इसका दिमाग भी है कि नहीं है, ये क्या की बात क्या कर देखिए मैंने जितने पढ़े लिखे लोग देखे हैं ना, उनमें से बहुत कम लोग देखे जो बाशऊर हैं, और मैंने ये शऊर कम पढ़े लिखों में भी देखा है। तो हम एजुकेशन को के बजाय अगर हम ये कहें कि बाशऊर होना, या जी बिल्कुल वहां पे इतनी वो नहीं, हाँ वहां पे भी इस्तेसाल है, ये नहीं हम कह सकते वहां पे वुमेन बहुत एम्पावरमेंट है वहां पे,
वहाँ पे भी बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट से होगी, बिल्कुल है वहाँ पे भी सिलसिला, लेकिन ये पढ़ लेना और डिग्री ले लेना, जिसको हम एजुकेशन हम डिग्री को कहते हैं ना, एक एजुकेटेड माइंड या एक हम कह लें मुहज्जब कह लें कि एक हम इंसान हम अपने मेल्स को मुहज्जब कर दें, शायद ये एक बेहतर लफ्ज है एजुकेशन से, क्योंकि जिस जो एजुकेशन का मेयार हमारे इस वक्त सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है वो डिग्री किसी तौर पे इस चीज की कोई अलामत नहीं है कि इसको कुछ आता होगा, इसका कुछ शऊर होगा, इसको कोई बात मेरी समझ आएगी, इसने आज तक कुछ सीखा होगा ढंग का, ये किसी कोई इस चीज की इसको एंश्योर नहीं करती। हम कहते हैं हम अपने मेल्स को मुहज्जब बना ले, तो उस्मान राणा साहब को मैं कहूंगी एजुकेशन भी हम कह रहे हैं मुहज्जब बना ले, बच्चा स्कूल भी पढ़ने जा रहा है तो वो घर से या स्कूल से क्या सीख के आ रहा है, पहले तो वही अगर अलहदा अलहदा है तो उसको ये पता है कि हाँ एट के बाद हमारे इतने इस्लामाबाद के एलीट स्कूलों में भी एट के बाद जब वो अलहदा अलहदा कर देते हैं तो एट क्लास तक पहले ही वो बहुत कुछ सीख चुके होते हैं सोसाइटी से, अब उनको पता है अच्छा गर्ल्स कैंपस से होकर गर्ल्स वाले उससे होकर ब्लॉक से गुजरने आएंगे, ये सब चीज़ें हमने बिल्ड की हैं उनके बीच में, ये हम लेके आते हैं उनकी सोच में और फिर वो उनके एक्शन तक जाती हैं। जी चौधरी असलम वाला है, जो आपने बात की है किसी हद तक उन्होंने भी उसको टच किया काफ़ी देर पहले, वो कह रहे हैं कि एक आइडियल और परफेक्ट सोसाइटी के लिए हमारी सोसाइटी का एजुकेटेड और सिविलाइज्ड होना लाजमी है। आगे वो कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमारी मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए सीरियस नहीं दिखाई दे रही, आप मौजूदा बजट से अंदाज़ा लगाइए कि हमारी सरकार की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। फरुख राव हैं, वो कह रहे हैं कि तबकाती निज़ाम ऐसा ही होता है, ताकतवर औरत की पूजा की जाती है जबकि कमज़ोर का इस्तेसाल होता है। उबैद रज़ा कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से सवाल दर सवाल और इन सवालों में ही तजावीज़ और जवाब दिए हैं, बिलाशुबा उनका ये कहना कि आज़ादी के वसी मफहूम को बहुत महदूद समझा जा रहा है जो असल आज़ादी नहीं है बल्कि भीड़ चाल का शोर है जिससे वो मुतासर हो रहे हैं, और तरबियत ही से एक नई नस्ल तैयार हो सकती है जिसको इल्म हो कि आज़ादी क्या है, पावर क्या है और इनका इस्तेमाल कहाँ और कैसे और किस हद तक करना है। इम्तियाज़ हादी है, उनका कहना है कि औरत का सबसे पहला हक उसकी आज़ादी और तालीम है। जो मेल हैं वो भी इसको रियलाइज़ कर रहे हैं कि तालीम और आज़ादी औरत का फंडामेंटल राइट है। मैंने आपको कहा ना मेल्स को हम फिर कन्विंस कर लेंगे, जो खवातीन वाली बात है ना ये जरा बड़ा देर से हो गई। मियां आबिद सुल्तान आवान है, उनका कहना है कि एक औरत के तालीम याफ्ता होने से आपका पूरा खानदान तालीम याफ्ता हो सकता है बशर्ते कि उनकी तरबियत शुरू ही से सही अंदाज से हो, लुच्चे लफंगे और गुंडा टाइप माहौल में कोई फर्क नहीं पड़ सकता। बिलाल अफसर जो है वो उनका सवाल है कि हल बताइए मुआशरा मजमूई तौर पर इस दर्जे में कैसे बाशऊर होगा कि उनको मनफी चीज़ों से फ़र्क ना पड़े। असल हमारे माशरे में दो चीज़ों को जो नौजवान नस्ल कर रही होती है, एक तो माशरे में वो ये देख रहे होते हैं कि हर जो औरत है वो ताइस के किरदार में और किसके किरदार में ताइस के और वो देख रहे होते हैं कि हर जो औरत है उसको हमारी रहनुमाई की ज़रूरत है बींग अराबर उसके इसलाह की ज़रूरत है, लेकिन अगर उसी शख्स के दूसरे एंगल को किरदार को देखा जाए तो सेगमेंट फ्राइड की तरह कि अंदरूनी तौर पे जब उसकी बहन बेटी या माँ उसे कहेगी कि कहीं उसे ले जाए पार्क में जैसे किसी तफरी मकाम पर तो उसके लाशऊर में ये चीज़ घर की होती है वो ये होती है कि यार मैं अपने जैसे जो दूसरे नौजवान या दूसरे मर्द हैं जो भेड़िए हैं उनसे औरत को कैसे बचाता फिरूंगा। मेरे ख्याल में बेसिक हमें उस सोच को तब्दील करना है, उस फर्क को तब्दील करना है कि हर औरत को हमारी रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है और हर जो मर्द है वो ये सोच नहीं रखता कि अगर औरत गुजर रही होगी तो वो उसे उस नज़रिए से ही देख रहा होगा। हर मर्द नहीं रखता, बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं नहीं रखता तो ये आपके बकौल यहाँ पे जो जमा है वो इसीलिए आए हैं और जो कमिट कर रहे हैं बेसिकली वो भी डेफिनेटली इस सोच को रखते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को इनक्रेज करने की बजाय डिस्करेज करेंगे कि माशरे में बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा तो डेफिनेटली जो कदम उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके भी कदम रुकते हुए दिखाई देंगे। तो बेसिकली हमें इनक्रेज करना चाहिए इस चीज़ को कि हमें उस सोच को बदलना है जो एक माशरे में हमारे पिना हो चुकी है या हमारे लाशऊर में कैद हो चुकी है,
उसको ख़त्म करके ही हम बेसिकली इस कैसे के सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ इसमें ऐड करूँगी, जो आपने कहा ना कि हर मर्द ऐसा नहीं सोच रहा कि अगर बाहर जा, तो हमें ये समझना चाहिए मेल्स को कि हर मर्द नहीं कर रहा तो बाहर जाने दो। मेरे ख्याल में इससे एक बेहतर नैरेटिव ये हो सकता है कि अगर कोई मर्द ये सोच भी रहा है तो उसके लिए मैं अपनी अपनी बेटी या अपनी बहन को तो कत्ल नहीं कर सकता ना, सोचने दो, तुम फिर भी जाओ। शायद ये एक बेहतर सोच हो सकती है जिसके साथ हम ज्यादा बेहतर चल सकते हैं। अगर मेल्स नहीं ऐसा सोचते तो वो कितने हैं ये मैं नहीं बताऊंगी, कम हैं, इस पे हमारा एग्रीमेंट हो सकता है कि कम हैं। अब कितने कम हैं, आप मेरे हिसाब से बहुत कम हैं, आपके हिसाब से थोड़े ज्यादा कम हैं, मतलब ये कम कम हैं, ज्यादा लोग हैं, ये जितने भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। उनकी मौजूदगी में अगर यहाँ पे 10 लोग हैं और 4 नहीं सोच रहे और 6 सोच रहे हैं, तो फिर भी तो मैं अपनी बहन को बाहर भेजते हुए सोचूंगा यार, वो 4 नहीं ना तो ये 6 तो तंग करेंगे उसको। मैं कहती हूँ 8 नहीं सोच रहे और 2 सोच रहे हैं, तो वो मैं बाहर भेजते हुए सोचती हूँ कि 2 तो तंग करेंगे। मेरे ख्याल में इसका एक बेहतर सोल्यूशन ये हो सकता है कि अगर 10 में से 10 भी ये सोच रहे हैं ना बाहर में जाएं, तुम्हारी जिंदगी तो हम तुम्हें तो नहीं जिंदा दफनाएंगे ना, जाओ अपनी जिंदगी जियो, उनकी सोच उनके साथ है, जो वो सोच रहे हैं या जो वो करना चाहते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, हम अपनी जिंदगी उसके लिए या अपने राइट्स से हम उसके लिए दस्तबरदार नहीं हो सकते। ओके, दैट्स इट जी, हमारा टाइम 25 मिनट्स ऊपर हो गया, और जी नैयर को कुछ कहना है? और भी इसके अलावा और भी बहुत से कमेंट्स थे, दो आखिरी कमेंट में पढ़ता हूँ जी, दो आखिरी कमेंट्स में पढ़ता हूँ, उसके बाद ये हमारे दोस्त हैं सजाद, ये उस एक रिमार्क ये लाइव देना चाहेंगे। जरूर जरूर। तो मियां शहजाद मंजूर हैं, वो कह रहे हैं कि हकीकी आज़ादी वही है जिसमें डर और खौफ की फिजा ना हो। उमर हयात कह रहे हैं कि औरत मर्द का झगड़ा है ही नहीं क्योंकि दोनों इंसान हैं एक जैसे। और इसके साथ ही सजाद है, ये अपना जी सजाद साहब, ये एक आज का टेक अवे हो सकता है। मैं सर सुल्तान मोहम्मद शाह के एक कोट यहाँ पे रखना चाहूँगा। वो कहते हैं कि वन ऑफ द लीडिंग उलमाज ऑफ इजिप्ट वाज टेलिंग मी दैट अ कंट्री इज़ लाइक अ ह्यूमन बॉडी, मेन एंड वेमेन आर टू लंग्स, इफ़ यू रिड्यूस द पावर ऑफ वेमेन इन अ नेशन इज एग्जैक्टली लाइक अ ह्यूमन बींग हु हैज़ वन लंग परफोरेटेड बाई ट्यूबरक्लोसिस एंड वन लंग टू वर्क। Very good. Thank you very much, everybody, and we'll see you.